बाहर के लिए आए। हैं। ओके चल। नमस्ते आप सबको, बहुत बहुत वेलकम एवरीवन टू द वेबिनार ऑफ पंचतत्व हीलिंग। मैं मोनिका अलवालिया हूँ और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा मास्टर हूँ, प्लस मैंने और मोडेलिटीज की भी हैं इन टर्म्स ऑफ एंसेस्टर हीलिंग, शमानिक हीलिंग, वूम हीलिंग, और मैं यहाँ पर सिखाती हूँ ये सब। आप में से कुछ लोगों को ऑफकोर्स मैं जानती हूँ, कुछ लोग मेरे लिए नए हैं, पर एनीवे ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम। और जब हम साथ में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। तो अपना कुछ समय, जो भी आपका कीमती समय है अभी आज के लिए इस वेबिनार के, वो दीजिए। एंड आई एम होप, आई एम श्योर कि आप सबको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को या कुछ नया जरूर मिलेगा, और हम साथ में कुछ नया मैजिक भी क्रिएट करेंगे, राइट? सो आप सब जानते हैं कि आप पंच तत्व हीलिंग के लिए आए हैं, और पंच तत्व ऐसा वर्ड है जो हर किसी ने सुना हुआ है, राइट? ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं, मैंने आज तक कभी ये वर्ड नहीं सुना। ऐसा है कोई? आई मीन बोलने को बोल सकता है, देर इज नो फियर, देर इज इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। अगर आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना है तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब हर चीज से वाकिफ हों और हर चीज को जानते हों, राइट? और आफ्टर ऑल हम हर चीज जाने तो फिर हमें कोई चीज को सीखने की क्या जरूरत है। जब हम पंच तत्व की बात करते हैं तो पंच ऑफ कोर्स हमको मालूम है, पांच, राइट? और तत्व मतलब एलिमेंट, तो मतलब हम बात कर रहे हैं फाइव एलिमेंट्स की। और फाइव एलिमेंट्स सिर्फ हमारे आयुर्वेदिया में ही नहीं बात होती है, फाइव एलिमेंट्स की बात चाइनीज मेडिसिन में भी होती है। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने आयुर्वेदा किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने टीसीएम भी सीखा हुआ होगा, सुजोग सीखा हुआ होगा। सो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये पांच तत्वों के साथ या उनसे उसकी फिलॉसफी पे कुछ उनको पता लगा ही होगा या उसको इस्तेमाल किया होगा। ऑफकोर्स चाइनीज में टीसीएम में फाइव एलिमेंट्स अलग तरह के होते हैं, और मतलब ऑफकोर्स उनका दे आर मोर और लेस द सेम, लेकिन उनका लेबल जो है, जो नाम उनको दिया गया है, वो अलग है, राइट? जो ये कोर्स है पंचतत्व हीलिंग, ये आपको ना ही कुछ आयुर्वेदा से कनेक्ट करने वाला है, ना ही आपको डीसीएम से कनेक्ट करने वाला है, पर बहुत कुछ आप फिर भी सीखने वाले हैं एज अ हीलर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं शेयर कर लेती हूँ। आप लोग सब लगता है बहुत बिजी हैं, हर कोई एकदम चुपचाप बैठा है, आज सोच के आए हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? नहीं, मैम रेडी है, तो रेडी हूँ, मेहमान ऐसे से सुन रहे हैं, सुन रेडी रहे हूँ। हैं। ओके ठीक, चलिए तो शिव जी की आराधना करके आज स्टार्ट करते हैं। शिव जी का इसलिए मैंने रखा है क्योंकि जब भी एलिमेंट्स की बात करो और उसमें शिव जी ऐसे हैं जिसमें कि एलिमेंट्स की भरमार है। मुझे लगता है जैसे गंगा को अपने जटाओं पे रखा हुआ है, अपने शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं और एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। और ऑफ कोर्स त्रिदेव हैं, और उनके दिमाग और हर चीज की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका पूरा एलिमेंट सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम पांच तत्व की बात करते हैं तो ये पांच तत्व हैं जो कि आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी। ऑफ कोर्स ये हिंदी वर्ड्स हैं, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये पांच एलिमेंट्स हुए, राइट? जिनको कई लोग पंच महाभूत भी बोलते हैं। और अब ये चीजों का हमको क्या करना है, हमें इनकी क्या जरूरत है, और अगर जरूरत भी है तो ये हमको कैसे मदद करते हैं या हम इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर हम इस बात पे बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, और हमको ये शुरू से बताया जाता है कि आप जिस 5 तत्वों से बने हो वही जब आप मर जाओगे या आप इस जीवन में नहीं रहोगे, ये सारे तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, राइट? तो ये चीज का हमें कहीं ना कहीं ज्ञात है, राइट? इसका मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो इन 5 तत्वों से ही है, और इन 5 तत्वों के बिना हमारी लाइफ नहीं, राइट? तो हमारी बॉडी में ये 5 तत्व हैं और ये सृष्टि में भी 5 तत्व हैं। अगर सृष्टि में या हमारे अंदर कभी भी अगर हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, तो फिर क्या हमको उसे करना क्या है? हमें करना इसलिए है क्योंकि बने तो हम 5 तत्व के हैं, पर क्या ये 5 तत्व हमेशा सेम रहते हैं, सेम प्रपोर्शन में रहते हैं? जैसे जैसे हमारा जीवन काल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत सी चीजें घटती हैं, तो क्या इनका महत्व हमारे जीवन में कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, या हम किसी एक चीज में ज्यादा भरमार कर लेते हैं और दूसरी चीज को कम कर लेते हैं? तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर डिसबैलेंस क्रिएट होता है, राइट? अगर ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, प्रॉपरली बैलेंस इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा अर्थ पर्सन हो सकते हैं, कुछ एयर पर्सन हो सकते हैं, कुछ वाटर भी हो सकते हैं, कुछ किसी में किसी चीज की ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब है, लेकिन उसकी इस प्रकार से होना कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं वह करने में समर्थ नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली उसके इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वह आपके लिए लाभदायक नहीं है या आपके लिए कोई खराबी क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, बहुत विचार करती हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है, जो कि आजकल हर किसी का चलता है, बिकॉज हम सब मेंटल एज में रहते हैं जहां पर हमारा मेंटल एस एक्टिविटीज एकदम उत्तम श्रेय पे है, और हम चाहते भी हैं कि हम वही वैसे ही काम करें। फिजिकल काम करना तो आजकल बहुत कम लोग चाहते हैं, राइट? बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको एक दर्जा कम का देते हैं, हमको लगता है कि फिजिकल काम करना मतलब कि एक लोअर स्ट्रेटा, लोअर कैटेगरी का काम, जबकि एक्चुअली ये फीलिंग हमारे भारतीयों में ज्यादा है। अगर आप बाहर जाओ या बाहर की कंट्रीज में जाओ तो आप पाओगे वहां पर फिजिकल लेबर की बहुत इम्पोर्टेंस, शायद वहां पे मेंटल लेबर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि फिजिकल लेबर की। लेकिन हमारी कंट्री में फिजिकल लेबर तो बहुत थर्ड क्लास लेबर है, क्योंकि वो फिर हम कहेंगे वो तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीपेज, ये सब काम तो छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग तो नहीं करते हैं, हम तो सोच समझ के काम करते हैं, राइट? तो अगर हम सोच समझ के काम करते हैं तो क्वेश्चन है कि ये सोच समझ तो ठीक है, पर क्या वह हमारी सोच समझ जो करने के लिए है वहां तक ट्रांसलेट हो पा रही? क्या जो हम चाहते हैं बनाना या चाहते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं, जिसके बारे में ड्रीम करते हैं, जिसके बारे में हम विजुलाइज करते हैं, विजन रखते हैं, क्या वह चीजें हमारे जीवन में आ पाती हैं वैसी? और अगर नहीं आ पाती तो क्यों नहीं आ पाती? तो इसका मतलब कहाँ पर हमारा डिसबैलेंस हो रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो एलिमेंट उस चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए जरूरत है वो नहीं है, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं एयर में तो रह रहे हैं, हवा में तो रह रहे हैं, और हवा हमारे पास बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अर्थ से कनेक्शन छोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से हम उन चीजों को जो काल्पनिक है उनको हम रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो दैट इज व्हाट इज तत्व बैलेंस। सो अर्थ जो है, अगर हम अपने शरीर को देखें, अपनी बॉडी को देखें, तो हमारा शरीर जो है वह अर्थ एलिमेंट उसमें हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। वाटर भले ही हम फ्लूइड के फॉर्म में बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो बहुत फ्लूइड होता है, बहुत सी चीजों में विचार होते हैं उसके।
वो सॉफ्ट जो चीजें उसकी हैं, जो जहां पर हम सरेंडर करते हैं, जहां पर हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, वहां पर हम वो वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और फायर ऑफकोर्स हमको चाहिए, हर किसी को चाहिए, गुस्सा, नाराजगी, बातचीत में कुछ ना कुछ अपना स्वाभिमान दिखाना, ये तो जरूरत है ना हमें। तो ये फायर एलिमेंट हमारा इंटेलिजेंट टूल है, जो कि हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर बराबर नहीं रखता, उसके अलावा हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, कुछ कह सके। और एयर है एक अवेयरनेस, जो कि हमारे सब चीजों को, हमारे इंस्पिरेशन को क्लियर और क्लैरिटी और फोकस देते हैं, राइट? सो इस तरह से हमारे ये एलिमेंट है। अब पांचवा एलिमेंट क्या हुआ फिर, कोई बोलेगा? स्पेस, हाँ, आकाश आकाश तत्व, तत्व। ओके, सो वो क्या स्पेस इससे कनेक्ट करता है हमारे? मैम, स्पेस यूनिवर्स, हाँ, पर किस चीज से, उसकी हमें क्या जरूरत? स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, ओके, वेरी आउटर। गुड। ओके, सो हमारा बेसिकली स्पिरिट है, सोल है, हम लोग सब बहुत हीलिंग वर्ड में से हैं, सो हम ये सब चीजें, बड़ी बड़ी चीजें बहुत बात करते हैं, राइट? है ना? तो कहीं ना कहीं हम इनसे, इनके बारे में तो जानते ही हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हमको हायर अप जाना है जिंदगी में, स्पिरिचुअल अवेयरनेस लानी है, तो हमें ये स्पिरिट, अपना जो तत्व है, उसको तो बहुत ही उजागर करना है। पर वो तो तभी हो सकता है जब ये सारे तत्व बैलेंस हो जाए और सब तत्व मर्ज होकर हमें उस बैलेंस, उस तत्व तक ले जाए, राइट? सो अब आप मुझे बताइए, आपके, हम सब चक्रास को आसानी से जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो चक्रास हैं, कितने चक्रास हैं? मेन चक्रास की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन मेन जो चक्रास सेवन की हम पढ़ते हैं, चक्रास। राइट? और सातों चक्रा के नाम क्या है, आप कौन बताएंगे? श्रीगिरी जी बताइए आप। क्या लोग मैडम, सोचेंगे कि यहाँ पे मेरा टेस्ट हो रहा है कि आपका टेस्ट चल रहा है। जी मैडम बोलिए। हाँ बोलिए श्रीगिरी जी, आपके हिसाब से या आपने जो सुने हैं, सात चक्र कौन से? मेन मूलाधार, चक्र की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, रूट चक्र, सैक्रल, मणिपुर, हाँ शुद्ध, आग्नेय, आग्नेय चक्र और ये सहस्र, ओके, अनाहता के चक्र की बात कर ली आपने। हाँ, अनाहता, अनाहता हार्ट चक्र। आठ चक्र को कैसे भूल गए आप, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है। हाँ सडन पूछे तो मैं थोड़ा एक दूसरा सोच में था, आप सडन में पूछे तो मैं भूल गया था मैडम। ओके, तो आपने सोचा कि हार्ट को निकाल दिया जाए। हाँ, अगर नहीं हृदय को मैडम, निकाल देंगे तो जिएंगे कैसे आप? हार्ट चेक नहीं ना। ओके, सो एनीवे, जो आपने बोला बिल्कुल सही सही बोला। तो हमको ये सिखाया गया है और हमें पता भी है कि हम जब ये चक्रों की बात करते हैं, तो हर एक चक्र का एक एलिमेंट है, राइट? है ना, करेक्ट है कि नहीं है? यस मैडम, हाँ, हर चक्र का रंग है, हर चक्र का रूप है, हर चक्र का पोजीशन है, हर चक्र की इम्पोर्टेंस है, हर चक्र का एक एलिमेंट है, हर चक्र का एक नेचर है ना? है कि नहीं है? यस 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 राइट, सो ये जितने भी चक्र हैं, तो हमको इनके बारे में ज्ञात है, हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि उनका कनेक्शन किस एलिमेंट के साथ है, राइट? तो जब हम मूलधार चक्र की बात करते हैं, हम जानते हैं उसका एलिमेंट अर्थ है, और सबसे अर्थ जो है सबसे डेंस होता है, सबसे ज्यादा उसका वेट होता है, सबसे ज्यादा भार होता है, और कहीं ना कहीं वह हमारे जो कनेक्शन टू द अर्थ है, वो हमें मूलधार चक्र में, जो हमारा रूट, जो फर्स्ट चक्र है, और जो रिलेटेड टू सेफ्टी सिक्योरिटी है, वह मूलधार चक्र है, राइट? है ना, जहां से आप जब शुरुआत करते हैं जीवन का, और उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप इश्यूज, तो आप सेक्रल चक्र तक पहुंच जाते हैं, जिसका कनेक्शन आपका पानी से है। और हम सब जानते हैं कि पानी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को दर्शाता है, हमारे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, क्योंकि पानी कैसे, आपके शरीर में पानी कहाँ से दिखता है? बताइए।
औरतों को तो पानी से बहुत प्यार होता है, होता है कि नहीं होता है? कितनी लेडीज हैं यहाँ पर? लेडीज नहीं है क्या आज? यस यस है और मेरा है ना, ना तो जब लेडीज हैं तो आप लोग भूल क्यों नहीं रहे हैं? भाई। अश्रुधारा तो आराम से, आंसुओं की धारा तो लेडीज में बहुत आसानी से आ जाती है कि नहीं आती है? डॉक्टर इकबाल बोलेंगे नहीं मैं रोती नहीं हूँ कभी भी, है ना, मैं रोने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं आज की नारी हूं, मैं अबला नारी नहीं हूं, राइट? पर फिर भी हमको रोना तो आता है, हम खुद नहीं रोते हैं तो दूसरों को रुला सकते हैं कि नहीं रुला सकते? तो एनीवे, सो वाटर हैज लॉट ऑफ कनेक्शन, मून एनर्जी हमको मालूम है, पानी की एनर्जी हमको मालूम है, और जब हम फायर की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस एरिया है, तो सोलर प्लेक्सस एरिया कहाँ पे आता है? मणिपुर चक्र के ऊपर होता है? नेवल नेवल नेवल, ओके। तो आप उस उधर फायर से आप क्या कर लेंगे, वहां फायर की क्या जरूरत है? डाइजेशन के वास। हाँ, क्योंकि वहां पे तो आपका स्टमक एरिया है, और अगर आप खाना खाएंगे और वो पचेगा नहीं तो फिर आपका जीवन जो है वो तो वहीं नष्ट हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा, राइट? सो फायर हमको मालूम है कि वो मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सस के इधर है, और वहां के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, स्टमक है, सो वो कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता है उस फायर एलिमेंट की वहां पर, राइट? उसी तरह से हमारा जो हृदय है वहां पर अनाहत चक्र, जिसको आप भूल गए थे, तो वो दर्शाता है हमारे एयर्स एलिमेंट को, क्योंकि वहां पे पीछे हमारे लंग्स भी हैं वहां पर, राइट? और जब आप सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाती है आपकी श्वास? ऑफकोर्स शरीर के अंदर पूरे सर्कुलेट होती है, लेकिन उसको मेन कौन सा ऑर्गन है जो उसको लेता है? किसके द्वारा आप श्वास जो आप नासिका के द्वारा लेते हैं तो वो कहाँ जाती है आपकी? लंग्स लंग्स हाँ, सो लंग्स आपके उधर है, राइट? और आपकी गला, जो थ्रोट है, जो कि हमारा स्पेस आकाश तत्व, जो हायर, जो हम बोल सकते हैं, ट्रुथ स्पीच एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ मैडम वो हमारा थ्रोट चक्र है, ओके? सो ये हमको इसका ज्ञात है। अभी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ जो ऑफकोर्स हमको ज्ञात है, लेकिन और हम कहीं जानते, ये भी जानते हैं कि हमारे हाथ जो हैं, हमारे फिंगर टिप्स जो हैं, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फाइव एलिमेंट्स, है ना? हमारे हाथ भी पांच हैं, मतलब हाथ पांच नहीं, हाथ में फिंगर्स इंक्लूडिंग आर थंब फाइव है, राइट? सो हमको मालूम है कि ये फायर एलिमेंट जो है वो हमारा थंब है, हमारा इंडेक्स फिंगर जो है वो एयर एलिमेंट है, स्पेस क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, सबसे लॉन्ग होता है, सबसे बड़ा होता है, अगर आप देखें पूरे यूनिवर्स में, तो वो हमारा लॉन्गेस्ट फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेस, रिंग रिप्रेजेंट करता है अर्थ, और ये रिप्रेजेंट करता है वाटर। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन में हमने जब भी हमको कोई ऐसी जरूरत हुई तो हमने यह एक्सप्रेस किया, तो हम जानते हैं इसका कनेक्शन किससे है, जब हमने ये एक्सप्रेस किया तो इसका कनेक्शन किससे। सो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी सभ्यता में, हमारे तरीकों में रही है, जिससे कि हमने ये एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है। हम हाथ से खाना खाते हैं, हमारा देश ऐसा है, और हम जो हिंदुस्तानी हैं, हमारी संस्कृति में हम हाथों से खाना खाते हैं, जिससे हम जानते हैं कि हमारे हाथों में वो एनर्जी है जो हम जब उसके निवाले को अपने मुंह में डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? सो हम जमीन पर बैठ के खाते हैं, अगेन हम कनेक्ट करते हैं अर्थ एनर्जी से, हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं हम अपने सर मस्तक को नीचे करते हैं और टच करते हैं अर्थ एलिमेंट को, जिससे कि हमारे अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस रहता है। और शुरू से हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, जहां पर हमारे को पेड़ पौधों से बहुत प्यार रहा है और हम उनसे कनेक्टेड रहे हैं, कहीं कहीं हमने उनको उगाया है, करते हैं, राइट? पर ये सब चीजें जो होती थी वो एक समय होती थी,
धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला है, चीजें भी बदली हैं, हमारे तौर तरीके बदले हैं, और इसकी वजह से हमारे ये पांच बैलेंस जो हैं वो डिसबैलेंस हो गए। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोलें, वेरी सिंपल टर्म्स में, तो हमारा अर्थ एलिमेंट क्योंकि नेचर से कनेक्टेड है, तो आज हम नेचर से डिसकनेक्टेड हो गए, तो इसकी वजह से वो अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं हिल गया और वो डिसबैलेंस हो गया। पानी, अब हम पानी तो पीते हैं, बोला जाता है पानी पियो, पानी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पानी को हमने रिप्लेस कर दिया है सॉफ्ट ड्रिंक से, अल्कोहल से और बहुत सी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स, राइट? और पानी का पीने का समय, खाने के बाद जो भी जिस तरह से जो नहीं करना चाहिए वह चीजें हम सब करते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पानी को भी अपने शरीर के अंदर सही मात्रा में नहीं कर पा रहे। फायर, जब हम फायर की बात करें तो हमको किसकी याद आती है? सृष्टि में कौन फायर को रिप्रेजेंट करता है, जरा बताइए। सन मैडम, तो सन, एक ही जना बोलेगा क्या? कौन बोल रहे हैं? श्री गिरी जी बोल रहे हैं? हाँ मैडम, हाँ मतलब कि आप ही स्पोक्समैन हो गए हैं। सोनाक्षी क्या कर रही है? शांति जी क्या कर रही है? तो जब हम फायर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको, ऑफकोर्स हम घर में दिया जलाते हैं, तो उस दिया जला के भी हम अपने घर के अंदर वो फायर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। वो तो घर की बात हुई या हमारे जीवन के अंदर बात हुई, लेकिन हमने भी बाहर जाना, सन में जाना कम कर दिया, क्योंकि हमको लगता है कि सन की जो एनर्जी से, सन के वाइब्रेशन से, सन के जो से हमारा शरीर जो है वो काला पड़ता है, हमारी स्किन काली होती है, तो हम जो हैं वो बहुत सारे अपने स्किन के ऊपर अलग अलग तरह के सन ब्लॉक्स और ये सब लगा के जाते हैं, और नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि छाता लगा लें, छाता ले लें, पकड़ लें, जिससे सन की जो है किरणें हम तक नहीं पहुंचे, और सुबह के समय हम उठते नहीं हैं। तो जब हम सुबह के समय उठते नहीं हैं तो उस समय चाहे सन की जो किरणें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, हमारे शरीर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन फिर उस समय हम कैसे जल्दी उठ के सन की तरफ देखें, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम वो फायर एलिमेंट से भी अपने आप को वंचित कर रहे हैं। अब हवा की बात आई, तो हवा जो है हम तो खिड़कियां बंद रखते हैं क्योंकि मच्छर आ जाते हैं, राइट और नो? फ्रेश एयर की हमको, हम एसी में बैठते हैं, हम पंखे में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो एयर को भी अपने जीवन से कम कर रहे हैं। और आया स्काई कनेक्शन, तो अगर आपको याद हो तो हम बचपन में, या अब हो सकता है आप लोग इस नए जनरेशन के हों इसमें से कई, तो हम में से कई लोगों ने छत के ऊपर सोए हैं, हम ऐसी जगहों पर सोए हैं जहां पर हम बरांडे में या घर के बाहर ये टेरेस पे डाल भी मैम, टेरेस पे, तो वैसे हम सोते थे, राइट? और कितना मजा आता था, अच्छी हवा मिलती थी, स्काई के ऊपर हमारा ध्यान जाता था, हम स्काई पे देखते थे कितने सारे तारे हैं, किस तरह के तारे हैं, ध्रुव तारा है, अच्छा ये तारा है, और ये सब हमारी नजर उन चीजों पर जाती थी। लेकिन अब जो बच्चों को अगर स्टार्स और ये सब को देखना होता है तो किस में देखते हैं? या तो टीवी पे देखते हैं, या वो टेलीस्कोप्स लगाकर देखते हैं कुछ चीजें उनको जो दूर की देखनी होती है, या सितारे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा हो गया है क्या? सितारे दिखते हैं? किसने स्काई की हाँ तरफ अगर देख? टेरेस पे चले जाए तो दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोशिश नहीं करता कॉन्शियसली कि चलो देखते हैं, खुली हवा में हाँ चलते हैं चांदनी करेक्ट, का मजा क्योंकि लेते हैं, ऐसा बंद हाँ, हो गया है क्योंकि पोल्यूशन भी हो गया है, एयर भी इतनी वो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं तो हमने इससे भी डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये सिंपल टर्म में मैं बात कर रही हूँ कि ये सिंपल टर्म में हमारे ये पांच तत्व बहुत सिंपल है, और ये पांच तत्व हमारी बॉडी के अंदर हैं, हम इससे बने हुए हैं, ये हमारे तत्व बराबर से थे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिसबैलेंस हो गए। क्यों? क्योंकि इन कारणों की वजह से। इसके अलावा बहुत से और कॉम्प्लेक्स कारण हो सकते हैं, लेकिन ये वेरी सिंपल कारण। ओके, तो अब आप ये मत बोलिएगा कि मैम तो बहुत सिंपल चीजें सिखा रही। हाँ, तो अभी ऑब्वियसली अगर हमको ये सिंपल चीजों को ठीक करना है तो हमको सिंपल सॉल्यूशंस में क्या मिलेगा?
कि हम ऐसे इस तरह के खाने बंद करते हैं, राइट? जिस प्रकार के आजकल हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह के प्रोसेस फूड खाते हैं, जिस तरह का हमारे खाने का टाइम होता है, जिस तरह की हमारे थॉट प्रोसेस होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो अगर हम उसमें चेंज ला दें तो वो बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या आज के लोग इसके लिए रेडी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे टाइम मैनेजमेंट की बात है। हम चाहते हैं कि खाना जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए, पका पकाया मिल जाए, कोई बना कर दे दे, राइट? है ना? तो बाहर जाके मैम, बट स्टॉक, आजकल के बच्चे तो खाते ही नहीं, उनको तो जंक फूड ही पहले चाहिए, हाँ, पर हमको भी तो यही अच्छा तो घर लगता है का ना, हमने भी खाना जंक आजकल का फूड ही खाया। बच्चों तो नहीं। मैं तो कितना ट्राई करती हूँ, बच्चों को नहीं बोलती हूँ, तो भी मेरी लड़की तो नहीं मानती। ओके, तो तो ये तो जब प्रॉब्लम हम, आजकल के सारे बच्चों को भी, तो हाँ, पर क्योंकि उसके उनको लिए स्पाइसी क्या खाना करना चाहिए, है चाहिए? ना? उनको चटपटा खाना हाँ चाहिए, उनको खाना ऐसा चाहिए जिसमें स्वाद आए, और शायद उनको लगता है कि माँ स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती है, उस तरह का खाना नहीं बना पाती है, राइट? तो माँ को भी ये लगता है कि हाँ, ये सबसे आसान काम है ना, फास्ट फूड ले आओ, सबसे आसान है। सो कहीं ना कहीं चीजें फास्ट हो रही हैं, राइट? फास्ट पेस पे चल रही हैं, फास्ट तरीके से चल रही हैं। सो इट मेक्स अस, हम भी फास्ट जाना चाहते हैं, हम रिलैक्स नहीं होना चाहते, हम काम नहीं होना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं वो स्पीड में रहना चाहते हैं, वो मूवमेंट में रहना चाहते हैं, राइट? तो जब हम जूसेस भी पीते हैं तो हम ऐसे जूसेस पीते हैं जो बहुत टाइम से पैक्ड हैं। जब कोई चीज, ऐसी चीज हमारे शरीर में जाएगी तो ऑब्वियसली वो, उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप समझ सकते हो, राइट? और उसके अलावा हमारा दिमाग भी नॉन स्टॉप काम करता है, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वी हैव टू बी वेरी फास्ट, हमको बहुत सारे विजन्स आने चाहिए, थॉट्स आने चाहिए। सो उसके कारण जो हो रहा है, हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और हमारा बिहेवियर भी आर्टिफिशियल होता जा रहा है, क्योंकि हमें दूसरों को तो दिखाना है कि हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं। तो चाहे हम कैसे भी हों अंदर मन से, पर बाहर की तरफ हमारा जो दिखावा है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, ये फैमिली है, ये लोग हैं, इस तरह से जीना चाहिए, राइट और नो? नहीं है ऐसा? सबने अपना वीडियो बंद किया हुआ है? क्यों, सब लोग मैम सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैम, ये तो राइट दिखावे मैम, वाली लाइफ हो गई मैम। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट में भी जो है, हाइजीन नहीं है, क्लीन नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है, ये सब हमने बंद कर दिए चीजें, तो इसकी वजह से हमारा सारा चीजें जो है फिजिकल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स है। अब क्वेश्चन है कि ये तो फिजिकल लेवल पे हुआ, तो हमको उसको बैलेंस ऑफ कोर्स करना ही है, लेकिन मेटाफिजिकल लेवल पे हमको कैसे पता चले कि हमारे अंदर कोई नुक्स है या कोई इशू है? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आप में से किसी जने को, अभी तो हम इस क्लास, इस वेबिनार में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं ये चीज को स्कैन करेंगे कि आपके अंदर कौन सा तत्व किधर है और उसका क्या मात्रा है। इट इज नॉट इन अ साइंटिफिक वे कि भाई आप मेजरमेंट टेप से कर रहे हो, लेकिन थ्रू अ बॉडी स्कैनिंग। ओके, सो सपोज आप में से कोई ऐसा जना है जिसके पास बहुत सारे विचार है, अनगिनत विचार तो हैं, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई नहीं कर पा, तो अर्थ एलिमेंट में इश्यू है, राइट? बिकॉज अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं डेंस होता है, उसको एक फॉर्म देता है, एक पर्टिकुलर देता है, जैसे कि आप अर्थ को जानते हैं कि आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसकी एक प्रतिक्रिया बना सकते हैं, कोई भी उसको फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट? है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाके गार्डनिंग कर लो, आप जाके कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, तो शायद आपको ये अच्छा ना लगे, आपको लगे कि नहीं मैं क्यों करूं, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, मुझे पसंद है कि मैं ऑफिस में बैठूं, मैं विचार करूं, मैं ध्यान करूं, मैं सोचूं, मैं चीजों के ऊपर वर्क करूं, राइट? तो ये एक एयर एलिमेंट की खासियत है, या एक एयर एलिमेंट की इस विचार है, जहां पर वह चाहता है कि दिमाग से वह सोचे,
दिमाग से वह कार्य करे, और आप उसको बोल रहे हो कि आप फिजिकल कार्य करो, तो क्या वो उसको करने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा ना, होगा क्या लग? नो हाँ, मैम, आपको क्या नहीं लग? करेगा। तैयार तो हो भी करना जाए भी तो भी चाहे वो करना भी अच्छा नहीं गलत। लगेगा। हाँ, आपके परिवार में भी आप देख लो, हो सकता है आप खुद नहीं हो, सपोज आपका बच्चा हो, वो पूरे टाइम सोचता रहता है, पूरे टाइम चीजें बनाता रहता है, पूरे टाइम टेक्नोलॉजी ये चीज वो चीज की बात करता रहता है, क्या आप उसको बोलोगे कि नहीं बेटा जाओ जाके एक पौधा उगाओ, क्या उसको अच्छा लगेगा? शायद उसको ये बात सहन नहीं होगी, या वो करने के लिए कर भी देगा तो भी वो सोचेगा कि नहीं ये मेरा कार्य थोड़ी ना है। और आप भी सोचोगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे बोल सकती हूँ कि एवरीडे गार्डन में जाके वॉक करो, जाके प्लांट्स लगाओ, जाके सीड्स ग्रो करो, है ना? तो जब इस तरह के इंसान होते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको वो एक्टिविटी कैसे डिजाइन करनी जिससे कि वह जना वो करने को तैयार भी हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज मैं लेक्चर्स देती हूँ, है ना? अब मुझे लेक्चर्स देती हूँ तो मेरे पास कार्य क्या होता है, ज्यादातर फिजिकल काम कम हो जाता है, मेंटल चीजें मुझे ज्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं कि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, कोर्स बनाना है, बुक्स पढ़नी है, पर उसकी दिमाग में उसको किस तरह से विजुलाइज करना है, किस तरह से उसको डालना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर फोकस रहता है, राइट? पर अगर मैं उसको ऐसे कंबाइन कर लूं कि मैं ये सोच लूं कि ठीक है मुझे किताबें चाहिए, किताबें मुझे लाइब्रेरी में मिलेगी, और अगर मुझे लाइब्रेरी में मिलेंगी तो मैं लाइब्रेरी चल कर जाऊंगी, राइट? तो मैं वहां पे चल के जाऊंगी तो उससे क्या होगा, मेरी एक्टिविटी चलने की हो गई, तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई एक तरह से, और मैं वहां पर जाके अपना जो कार्य करना चाहती थी वो कर रही हूँ, राइट? तो उस तरह से आप बहुत सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको कि इमोशनल चीजें हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता लेकिन क्योंकि वो पूरे टाइम उसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है, वो वाटर एलिमेंट वाटर पर्सनैलिटी है, तो ऐसा इंसान इमोशनली चीजों से कनेक्ट होता है, तो उसके पास अगर कुत्ता है बिल्ली है उसको वो वॉक कराने को ले जाएगा, उसको वो ऐसे ग्रुप्स में घुमाने को ले जाएगा जहां पर कि वो कुत्ते बिल्ली या जो भी जानवर हैं जो उसने रखे हैं वह एक साथ मिल सके, तो इस तरह से वो फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है। तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बोलते हैं कि हमसे वैसे फिजिकली वॉक नहीं होता है इसलिए हमने कुत्ता पाल लिया कि हम कुत्ते के साथ तो एटलीस्ट वॉक कर ले, एटलीस्ट उसके बहाने तो हम नीचे चले जाते हैं, एटलीस्ट उसके बहाने तो हम ऐसे सर्कल्स में ज्वाइन हो जाते हैं जहां पर के ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां उनको भगाओ, उसी तरह से आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपको चाहे फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, पर अगर आप योगा करने लगे, आप तांडव नृत्य करने लगे, आप ऐसी चीजें करने लगे जो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर भी अर्थ एलिमेंट अपने अंदर बैलेंस कर सकते हैं, राइट? सो इस तरह से अलग अलग क्रियाओं से भले ही वह आपके इसमें फिट होती हैं या नहीं होती हैं, आप वो करके अपने अंदर वो बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे इस कोर्स के अंदर, उसके लिए मैं जरा एक छोटा सा आपको चीज बताना चाहती हूँ। ऑफकोर्स बहुत सी चीजें हैं जो मैंने इस कोर्स के लिए डिजाइन की हैं, और वह जब आप हम जब एंड में करेंगे तो आप उस चीजों को हम गो थ्रू करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें जो हर एलिमेंट के साथ हम करेंगे इस कि हमको कैसे पता चले कि वो कहाँ है हमारे शरीर में और कैसे है, वो किस कलर से रिप्रेजेंट होता है, जो कि हम सिंपल कलर में तो हम जानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर अर्थ एलिमेंट है तो उसका लाल रंग है, अगर फायर एलिमेंट है तो उसका हमारे शरीर में है, इफ सोलर प्लेक्सस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वाइट येलो है, अदरवाइज ऑफकोर्स आयुर्वेदा के हिसाब से उसका अलग कलर है। कौन से ऑर्गन्स उसको डिपिक्ट करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, और जब वह ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं या वह ऑर्गन में कोई डेफिशिएंसी होती है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि हमारा वह एलिमेंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और हम इसमें जो चीजें करेंगे वो यह भी है कि कौन से क्रिस्टल्स, कौन से आर्केंजल्स हमको मदद कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर
मिशन में, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है, एक डायरेक्शन कलर एसोसिएटेड है, आर्क एंजल एसोसिएटेड है, हमारी मुद्राएं उनसे एसोसिएटेड हैं, हमारी मेडिटेशंस अलग अलग तरह की, जो कि मून से भी, अगर हम मून को भी देखें तो मून, फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग, वेनिंग मून, अलग अलग तत्वों के हिसाब से उनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग तरह की एसोसिएटेड है। इसके अलावा हमारे जो दिमाग की चीजें हैं उसमें जब हम बात करते हैं माइंड की, तो बिलीफ सिस्टम्स आ जाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस आ जाते हैं, तो वह बिलीफ वर्क एयर एलिमेंट के साथ, अगर वाटर वर्क है, वाटर है तो वाटर के साथ, वाटर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर चार्जिंग, कलर वाटर, ये सब क्रियाएं होती हैं बिसाइड्स द नॉर्मल मेडिटेशन। और अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे एंसेस्टर्स हीलिंग भी अर्थ से कनेक्टेड हो जाती है। और अगर हम फायर एलिमेंट, तो फायर में फायर सेरेमनीज होती हैं जो आजकल हम बहुत कम करते हैं, लेकिन फायर सेरेमनी उसकी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे कि हम उस तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कोर्स ऐसे डिजाइन होगा कि ये सब चीजें हर एक तत्व के लिए उसको बैलेंस करके फाइनली हम सोल एंड स्पिरिट को समझकर किस प्रकार से कॉस्मिक तरह से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे अपने इंस्पिरेशन लाइफ में ले सकते हैं, वह चीज इसमें कोर्स में कवर है। अब मैं एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हम करने वाले हैं वो है मेडिटेशन, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई भी वेबिनार करते हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ चीजें हम सबको करनी चाहिए। तो आप सब लोग रेडी हैं क्या, तैयार हैं? अभी इस पे तो हाँ कर दीजिए कि आप सब लोग सोते यस रहेंगे। मैम, यस मैम, अभी बस सब अपने यस पहले एक बार मैम, मुझे वीडियो दिखाइए, यस मैम, सब लोग अपना वीडियो दिखाइए, तभी आपको अलाउड होगा मेडिटेशन करने को, यस जिससे मुझे पता तो चले कि आप लोग हो कि नहीं हो कि कोई डमी बैठा है। हाँ ओके, चलिए अच्छी बात है। आज दो मेडिटेशंस करने वाले हैं, एक है एयर मेडिटेशन और एक है वाटर मेडिटेशन। ओके, सब लोग शांतिपूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाइए। और इसके लिए मैं चाहती हूं, अगर आपके पास अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती अगर जला सकते हैं तो अगरबत्ती जलाइए, अगर आप अपने कमरे की खिड़कियों को खोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कमरे की खिड़कियों को खोल लीजिए। और अगर आपके इधर कोई विंड चाइम भी लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज लगी हुई है, तो थोड़ी उसकी आवाज को ध्यान से सुनिए और फिर हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे। अगर आप लोग ने अगरबत्ती जला ली है, हम सब जानते हैं कि एयर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऑफकोर्स हर तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह पानी हो, हम जानते हैं पानी जो है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है, और बिना किसी तत्व के हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हर तत्व का अपनी एक जगह है। जब हम हवा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हवा हमें लाइफ देती है, हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और जब तक श्वास लेते हैं तब तक जीवित हैं, पर वह श्वास हमें दिखाई नहीं देती, हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वह अपना वजूद, अपना मार्ग छोड़ जाती है हर चीज पे, राइट? हम इस जीवन में किस प्रकार से इस एलिमेंट से अफेक्टेड हैं, हमारे जीवन में इसका, इस एयर एलिमेंट का क्या महत्व है? आज जो मेडिटेशन हम करने जाते हैं वो बेसिकली हमारे मेंटल बॉडी की बात है, क्योंकि एक हमारी फिजिकल बॉडी है और एक है जहां हम सोच, विचार, तर्क, वितर्क करते हैं, दैट इज आर मेंटल बॉडी, जहाँ हमारे थॉट्स रहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम की बात होती है, हम बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, हमारी पास्ट लाइफ, करंट लाइफ, सबकी मेमोरी को स्टोर करते हैं, हमारे सारा बिलीफ सिस्टम वहां पर है, राइट? आज हम वह एलिमेंट की करने वाले हैं।
और हम जानते हैं कि जब हम जो सोचते हैं उस हिसाब से ही हमारा जीवन बनता है, या जीवन उसी प्रकार से क्रिएट होता है। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आर ओन लाइफ। आप में से कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आपका जीवन कोई और चलाता है कि आप अपने आप चलाते हैं? हाँ या ना कर सकते हैं, या अपना हाथ रेस कर सकते हैं। जो लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, कोई भी नहीं एग्री करता है। किसी का भी मुझे हाथ नहीं दिख रहा है। क्या बात है, मतलब आप लोग को लगता है कि आपका आपकी लाइफ का क्रिएटर कोई और है? ऑफकोर्स क्रिएटर तो है ही, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जैसे गुजर रही है, जैसे जा रही है, जिस तरह से हो रही है, वह सब में कोई और जना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद नहीं हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम, नो मैम, ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी बिलीव करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे विचारों से हमारा जीवन किसी प्रकार से तो प्रभावित होता है, और ये बात हम जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि तभी तो हम ऐसे कार्य करते हैं या हम कोशिश करते हैं कि अपने थॉट्स को बदल सकें, अपने थॉट्स के अंदर परिवर्तन ला सकें, जिससे कि हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सके। राइट, सो लेट्स ट्रैवल टू अ माइंड टुडे, और वहां जाकर हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी डेप्थ को, जहां पर हमारे आइडियाज क्रिएट होते हैं। टू वाइडन आर होराइजन, हमारा मकसद क्या है कि हमें अपने जीवन को और प्रभावशाली बनाना है। दैट्स व्हाट इज आवर मोशन, मिशन, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आप सबने आई होप अगरबत्ती जला ली है, राइट? सो यस हम मैम, लोगों ने एक क्वेश्चन करूं अगरबत्ती, क्या? हाँ जी, बोला एक क्वेश्चन करूं क्या आपसे? हाँ पूछिए। मैम मेरा नाम पंचम में सूर्या है, तो अभी उनका अंतर दफन चल रहा है, तो उसमें क्या एफिडिटी होता है क्या? क्या चीज, समझे नहीं आप क्या बोल रहे हो? बोलूं जैसे कि पंचम में मेरा सूर्या है, ठीक है, तो नहीं, ये उस एस्ट्रोलॉजी का नहीं है भैया। अच्छा आप हीलिंग हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के उस पे, मतलब आप मेरे से बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की, प्लैनेट्स की, राइट? हाँ, जी। मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, ओके ओके और ये कोर्स भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। ओके ना ही ये फेंशुई का कोर्स है, ना ही ये वास्तु के हिसाब से कोर्स है। ये कोर्स एकदम प्योर हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ओके, सो हमें बैलेंस करना है अपना एयर एलिमेंट, हाँ तो उसके लिए हमने अगरबत्ती जला ली। मैम, पैर हाँ क्रॉस करके बैठ सकते हैं क्या? जैसे अभी क्या तबीयत खराब होता है, बैठना बैठा पाऊँ हाँ तो हाँ कोई क्लोज मार बात, के बैठ कोई सकते हैं बात, ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई एनर्जी फ्लो की बात नहीं हो रही, पर आप थोड़ा बहुत एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर स्कैन करेंगे, अच्छा लेकिन दैट जी, इज फाइन, ये दो होते हैं, दो ठीक ठीक है? जो भी है। अपना को, आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर किसी की बाहर की आवाज आ रही है। अभी आपने अगरबत्ती जला ली है, अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट विजुलाइज करिए कि आपने कोई ऐसा एयर एलिमेंट का सोर्स जो है वह अपने सामने जलाया है। अपने कमरे की खिड़कियां खुली हुई हैं, जिससे कि स्वच्छ हवा बाहर से आपके घर के अंदर, आपके कमरे में आ रही है, जहां पर आप आराम से बैठे हैं, और आप विंड चाइम की जस्ट विजुलाइज करिए कि आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। यू आर हियरिंग द साउंड। अब आपको फोकस करना है अपने श्वास पर, और जब आप श्वास ले रहे हैं तो शांतिपूर्वक श्वास लीजिए, और जब श्वास ले रहे हैं, ये दो तीन अफर्मेशंस मैं कहूंगी, जो अफर्मेशंस आप रिपीट कर सकते हैं मेरे पास। तो आपको बोलना है कि मैं विलिंगली
सोच समझकर अपने निर्णय के हिसाब से अपने जीवन में जो भी फियर्स हैं, नेगेटिविटी है, जो मुझे ब्लॉक करती है मेरा सच बोलने से, उन सबको मैं रिलीज कर रहा हूँ। सो आई रिलीज विलिंगली ऑल फियर्स एंड नेगेटिविटी जो मुझे ब्लॉक करती है मेरा सच बोलने से। जब आपने ये अफर्मेशन बोल ली है, उसके बाद सेकेंड अफर्मेशन बोलिए, माई माइंड इज फ्री, मेरा दिमाग जो है वो फ्री है, वो किसी प्रकार से ब्लॉक नहीं है, क्लियर है, और मैं जो चाहता हूँ जीवन में, मैं जो भी करना चाहता हूँ, जो भी देखना चाहता हूँ, जो भी अपने जीवन में इनवाइट करना चाहता हूँ, वह सारी चीजों को मैं करने में सक्षम हूँ। तो मेरे पास वह क्लैरिटी है दिमाग की, सोच की, विचार की। तीसरी चीज, आई अंडरस्टैंड दैट माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी। तो जीवन में मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है, जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ होता है या होगा, वह मेरी खुद सोच के हिसाब से होगा, और इसीलिए इस समझ के साथ ही मैं अपने उन थॉट्स को यह एनर्जी दे रहा हूं, यह ताकत दे रहा हूं कि वह मुझे अपनी ड्रीम्स, मेरे डिजायर्स के पास ला पाए, नजदीक ला पाए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझ में वह ताकत है कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से बना पाऊं, सवार पाऊं। अब जब आपने ये तीन अफर्मेशंस बोल ली हैं, तो आप अब अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी श्वास में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि यह भारी भरकम अफर्मेशंस आपने कही, जरूरी नहीं है कि अफर्मेशन से आप पूरी तरह से एग्री करते हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे विचार हों कि नहीं, ये बोल तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे ये बात से में आशंक पर आशंका है, या मुझे मन में आशंका है कि यह बात सही नहीं। पर एनीवे, हम उस बात पे अभी आएंगे। अभी आप श्वास लीजिए, इनहेल, और आप इस विचार के साथ श्वास लीजिए कि मैं अपने जीवन में, अपने थॉट्स में, अपने डिजायर्स में, मेरे अंदर एक बैलेंस है। सो आई एम इन बैलेंस विथ माई थॉट्स एंड डिजायर। और आप श्वास छोड़ेंगे, जब आप छोड़ रहे हैं, लंबी श्वास छोड़ रहे हैं, और इस थॉट के साथ सोच छोड़ रहे हैं कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में बैलेंस आ सके। तो आपने जब इनहेल किया, तो यह विचार के साथ किया कि मेरे मुझे ये विश्वास है, मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे डिजायर हैं, वो बैलेंस में है। लेकिन क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा विचार होगा जो इस बात से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, तो वह विचार जो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो अब मुझे उसको बाहर निकालना है। पर उसके लिए मुझे उससे प्रश्न करना है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? वॉट कैन आई डू टू बैलेंस माई थॉट्स एंड डिजायर? सो अगेन इनहेल, इस समझ के साथ, अगर आपको समझ में आ रहा है, इनहेल कि मेरे थॉट्स सब बैलेंस में है, और जब एक्सेल कर रहे हैं, तो यह विचार जो चिंता का विचार अगर है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैं उसको एक्सेल कर रहा हूं, पर यह सोच के साथ कि मेरे को क्या करने की जरूरत है जिससे कि मैं इन विचारों को बराबर कर सकूं। अब जब आपने ये कर लिया दो तीन बार, टेक डीप ब्रेथ। सो टेक डीप ब्रेथ इन, माय लाइफ, माय थॉट्स आर इन बैलेंस। एक्सेल, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट कैन आई डू टू बैलेंस देम।
आप जो मैंने अफर्मेशंस आपको शुरुआत में बोली थी, अब आप उस पे ध्यान करेंगे, और जब आप अब जब मैं बोलूंगी तो आप अपना ध्यान अपने शरीर पर रखेंगे और शरीर में कैसी प्रतिक्रिया होती है उस पर ध्यान करेंगे। जब मैं कहती हूं, जो कि आप अपने आप से कहते हुए सोचिए कि आप यह बात अपने आप से कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी फियर नेगेटिविटी है जो मुझे ब्लॉक कर रही है मेरा सच बोलने पे, आज मैं उसे अपने शरीर से विलिंगली रिलीज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जब आपने ये कहा तो आपके अंदर शरीर के किस भाग में कोई हलचल या कोई ऐसा महसूस हुआ आपको, जैसा कोई करंट पास हो रहा है, कोई ऐसी चीज जहां पर आप थोड़े डिस्टर्ब फील कर रहे हैं? जस्ट ऑब्जर्व दैट। अगेन आई एम सेइंग, आई विलिंगली रिलीज ऑल फियर एंड नेगेटिविटी दैट ब्लॉक्स मी फ्रॉम स्पीकिंग माई ट्रुथ। मेरा सच बोलने से जो मुझे रोकता है, टोकता है, जो मेरा खुद का फियर है, मेरा खुद का थॉट है, आज मैं उसे अपने अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अंदर उसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है? फॉर अ मोमेंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अगर हो सकता है आपको गले में कुछ दर्द हो सकता है आपको हार्ट में कुछ पेन हो सकता है आपके हाथ थोड़े हिले, हो सकता है आपका शरीर थोड़ा हल्का सा महसूस करे, कुछ हलचल सी हो, कुछ बैठने में दिक्कत हो, जो भी, आपको उसे सिर्फ अनुभव करना है। और अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपसे बाद में पूछूंगी। अब जब आपने ये अफर्मेशन को बोल दिया, अब हम दूसरी अफर्मेशन पे जाते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो फ्री है, वो क्लियर है, एकदम थॉट क्लियर है, मैं सोच सकती हूँ आराम से, क्लियरली मैं जीवन में क्या चाहती हूँ या मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, इसके बारे में मेरे अंदर किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ इन माय थॉट्स, इन माय माइंड। जब आप ये बात बोलते हैं आपको कैसा महसूस होता है? अगेन ऑब्जर्व, व्हाट इज योर फीलिंग, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी योर फीलिंग, वॉट हैपन्स टू दैट पार्ट, आपके शरीर में क्या अनुभव आपको है? और जब आपने उस बात का अनुभव कर लिया, और आप अगर चाहें तो फिर से बोल सकते हैं अगर आपको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कि मेरा दिमाग फ्री है, क्लियर है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो जो चाहती हूँ वह उसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे पता है क्या करना है। अब हम जाएंगे तीसरे अफर्मेशन। आई अंडरस्टैंड दैट माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी। कहीं ना कहीं मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी मेरा जीवन जिस प्रकार से भी चलेगा, जिस प्रकार से भी वह बनेगा, जो भी मैं बनूंगी वह सब मेरे हिसाब से बन रहा है, मेरे इस थॉट्स के हिसाब से बन रहा है, जो मैं सोचती हूँ वही होता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन छाया बनती है, उसी प्रकार से वही रंग, वही रूप, वही लोग, वही चीजें मेरे जीवन में घटित होती हैं,
जैसा मैं चाहती हूं, जैसा मैं विचार करती हूं, और इसीलिए क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, तो मैं अपने उन विचारों को यह एनर्जी दे रही हूं, वह ऊर्जा दे रही हूं कि वह सही तरह से सोच सके और मुझे अपने जीवन के उस लक्ष्य तक पास लेकर आ सके जो मैं चाहती हूं अपने जीवन में करना। जब आप यह बात सोचते हैं तो कहाँ पर आपके शरीर में इस बात से या तो आप निगेट करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं? जस्ट नोट एंड ऑब्जर्व दैट। उस पर ध्यान दीजिए, उस पर अपना शरीर का अंदर क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, आपका शरीर कैसे आपको बता रहा है कि ये सही है कि गलत है, इससे आप सहमत हैं कि असहमत हैं। और जब आपने ये तीनों विचार कर लिए हैं, अब आपको जो भी आपको दिखा, जो भी आपको अनुभव हुआ, आपको सच बोलना है, डर नहीं करना है। तो जहां पर भी आप अपने जीवन में कुछ भी कहने से डर रहे हैं, कुछ भी बताने से डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, जब भी आप ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जहां पर आपको आगे रहना है, अपनी चीजों को, बागडोर को संभालना है, उनको, अपने थॉट्स को परिवर्तित करना है अपनी चीजों के अंदर, उसको बनाने में, तो कहाँ पर आप रुक जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं? जस्ट ऑन दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। और अगर आप सहमते हैं, डरते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है उन चीजों से उभरने के लिए? यह भी आपकी बॉडी, आपका माइंड जानता है, उसके पास इसका जवाब है। सो जस्ट आस्क योर माइंड, व्हाट कैन आई डू? क्योंकि मैं डर रहा हूं, मैं सहम रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मुझे दिक्कत आ रही है, तो क्या करने की जरूरत है मुझे अगर मुझे इन चीजों से उभरना है, आगे बढ़ना? व्हाट आई नीड टू डू टू स्पीक माई ट्रूथ? और शांति से जब आप इन सब चीजों से पूरी तरह से आपको जवाब मिल गया है, और हो सकता है आपका मन अभी थोड़ा चिंतित हो, थोड़ा इस प्रकार से हो जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, सो जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, अपने हृदय पर हाथ रखिए और अपने काम को बोलिए, ऑल विल बी वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ डरने की वजह नहीं, कुछ चिंता करने की वजह नहीं, यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, योर ओन प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, एंड विथ दैट अश्योरेंस अपने आप को जब आपने दी है, तो धीरे 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 अलाउ योर ब्रेथ टू रिलैक्स यू, श्वास लीजिए। हो सकता है इस समय आप ऐसे स्थिति में थे जहां पर आपका फोकस आपकी श्वास से हट गया था, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने 2 मिनट को अपनी श्वास रोक भी ली। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लीजिए और अपनी श्वास से जो भी चिंता है, जो भी मन में आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करिए, उन्हें बाहर निकालिए, एंड ब्रिंग इन न्यू इनहेल, न्यू वेव ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड। सो धीरे धीरे श्वास को लीजिए और श्वास छोड़िए। जैसे जैसे श्वास छोड़िए, शरीर में जो भी चिंता हुई थी उसे दूर करते हुए, बाहर निकालते हुए,
शांत होते हुए, स्लोली स्लोली कम डाउन, बैलेंस योर सेल्फ, फील इन योर सेल्फ, अपनी बॉडी से पूरी तरह से कनेक्टेड, अपने माइंड से पूरी तरह से कनेक्टेड, वह ज्ञान के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड जिसकी आपको जरूरत थी, जिसके लिए आपने यह क्रिया की। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाकर अपने शोल्डर्स को रोल करिए, अपने दोनों हाथों को एक साथ लेकर आइए और अपनी आंखों पर लगाइए, एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। ओके, सब लोग वापस आ चुके हैं या कोई गए यस हैं? मैम, हाँ ओके, कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो आप बोल सकते हैं। अनिल जैन जी, आपने भी हाथ उठाया हुआ है, और जो भी कोई यस बोलना मैम, चाहते हैं एक एक करके बोलिए प्लीज। यस गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैंने किया ये जैसे आपने बताया था वैसे ही, तो मुझे वैसे तो बॉडी में ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, केवल एक फिंगर में मेरे को पेन सा महसूस हुआ, जैसे वेन कुछ खिंच रही है उसकी, ओके लेफ्ट लेफ्ट हैंड की एक ये वाली फिंगर, ये हाँ इसमें लगा जैसे नस कुछ खिंची, हल्का सा थोड़ा सा महसूस हुआ 5-7 सेकंड के लिए तो। ओके, पर जब आप वो चीजें बोल रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि जो भी चीज आप बोल रहे हो उससे आप पूरी तरह से सहमत हो? आपको कोई प्रकार का चिंता, भय, डर, खौफ नहीं कौन है? है? नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है अंदर, देखो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हाँ होता ही ऑफ है। हाँ कोर्स, हर एक को होता है, ऐसी बात नहीं है जी कि डर नहीं होता है, खौफ नहीं होता, हर एक को अलग अलग तरह से चीजों से डर होता है ना? तो वो तो बात सही है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जीवन में आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, उस चीज में अगर वह भय रुकावट बन के आ रहा है तो उसको कैसे हमको झेलना है, उस पे हमें कैसे अपने आप को कॉन्कर करना है और आगे बढ़ना है, दैट इज अ मेन थिंग, है ना? ठीक फिर है, जैसे तो राइट वो जब, हाँ, तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे उसके पीछे क्या बिलीफ है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज सोच रही हूँ, ये एयर एलिमेंट में अगर मेरा कोई जीवन में चीज नहीं मेरे बराबर से जा रही है, उसके पीछे क्यों मैं अपने आप कोई चीज सोच रही होंगी, जो विचार कर रही होंगी, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हो सकता है, मेरे एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंस से हो सकता है, मेरे खुद के या माता पिता के एक्सपीरियंस से हो सकता है, बचपन के एक्सपीरियंस से हो सकता है, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस से हो सकता है, या मेरे व्यवहार जो आजकल के व्यवहार में उससे हो सकता है, पर वह कहीं ना कहीं मुझ में इस तरह से बैठ गया है वह डर, कि वह मुझे उस चीज से उभरने नहीं दे रहा है, राइट? तो वो चीज को तक पहुंचना, उसकी तह तक पहुंचना और उस चीज को बाहर निकाल के उसको जगह कुछ और उसमें डालना, जिससे कि जीवन में वह भय निकल के एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाए, तो वो एयर एलिमेंट में हम उस तरह की राइट एक्सरसाइजेस करेंगे जब हम इस कोर्स में करेंगे, तो एयर एलिमेंट को हम लोग ओके ऐसे डील करेंगे। ओके, ओके हाँ, राइट। अभी आपका हाथ का दर्द ठीक हो गया ना? सिर्फ उसी नहीं टाइम तो हुआ? उसी टाइम हुआ था जब हम हाँ लोग आंख बंद करके बैठे थे। हाँ सो वो बेसिकली कुछ ऑर्गन्स आपके वह चीज को दिखाएंगे, आपकी नर्व्स, आपका नर्वस सिस्टम, वो उस चीज को कैच कर रहा है, तो कुछ मे बी देर इज समथिंग रिलेटेड, जब हम उसको गहराई में देखेंगे तब हमको वो चीज समझ में आ जाएगी। ओके हाँ थैंक गोविंद जी बोलिए। यू। फिर भविष्या बोल बोल सकती हैं, गोविंद जी अगर यस सर, भविष्या यस बोल। हाँ मैम। मैम जैसे ही वो एफर्मेशन बोला, मतलब हर एफर्मेशन पे अलग एनर्जी फील हुई मुझे, और जैसे ही वो थॉट, वो फीलिंग जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए वो एफर्मेशन की जो फीलिंग थी वो मुझे मेरे सैक्रल चक्र पे मुझे फील हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फियर था,
डर रही हूं मैं अपनी बात कहने से, और फिर उसके बाद जीवन में मैं क्या चाहती हूँ उसके लिए मुझे पूरी क्लैरिटी है, ये वाला एफर्मेशन जब उसके बाद लिया तो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा रेजिस्टेंस करने लगा कि वैसे तो मैं बोल पाती नहीं हूँ, और फिर इस चीज के लिए मेरे पास इतना क्लैरिटी, वैसे गोल्स लिखे हुए हैं लेकिन जब एनर्जी लेवल पे चेक करते हैं यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था फोरहेड चक्र जो है वहां पे ऐसा लग रहा था कि काफी हैवीनेस है। फिर उसके बाद आई अंडरस्टैंड माई थॉट्स क्रिएट्स माई लाइफ, वहां पर जब मैंने उस चीज उस थॉट को जब बोला तो उस वक्त मतलब पूरे बॉडी में इतना हार्मनी लगा, मतलब सारे चक्रा से वो एनर्जी रेडिएट हो रही थी और पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा वो। और फिर जब आपने लास्ट में जो अफर्मेशन बोला कि अगर मैं नहीं बोल पाती हूँ तो वो बोलने के लिए मैं क्या करूँ, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करूँ, तो उस वक्त मेरा हार्ट चक्र सडनली एक्टिवेट हो गया और वो बहुत ही पॉजिटिवली एक्टिवेट हुआ, और वहां पे ये आया कि तुम्हें अपने करेज को डेवलप करने की जरूरत है, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रखने का, वो स्टैंड लेने का, वो करेज बस दिखाना है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे हार्ट चक्र ने ही मुझे बता दिया। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। तो बेसिकली मतलब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं ये चीज से आप पूरी तरह से सहमत हो कि लाइफ में जो आपके साथ होगा वो आपकी सहमति से होगा, आपके थॉट प्रोसेस से होगा। इसके लिए आपका थॉट प्रोसेस को पावर देने को आप तैयार हो। अब क्वेश्चन है, पावर देने के लिए वो आपको करेज लेना है, करेज उठाना है, जो करेज शायद आपके पास थोड़ा कम है, पर आपको पूर्ण विश्वास है कि ये पॉसिबल है। इसके लिए आपके यस सारे चक्रास उसकी सहमति के साथ थे कि हाँ भाई आई एक्सेप्ट, यू नो। तो जो बिलीव आप एक्सेप्ट करते हो वो आपकी बॉडी में आसानी से फिट हो जाती है कि हाँ दिस इज, आई एम परफेक्टली इन हार्मनी विद दिस बिलीव, है ना। यस तो और वो देखो, इतने ब्यूटीफुली रेडिएट हो रहा था ना मैम, ऐसा लगता था कि हाँ मैम अब कुछ बोले ही नहीं, मैं इसी भाव में रहूं। तो आप बाद में भी इस पे बात बैठे रहो, उसमें क्या है। आज तो हमको इसको बंद करना पड़ता था, नहीं तो सब लोग बोलते कि मैम सो गई हैं या हम सो गए हैं, पता नहीं। लेकिन वो बहुत मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सातों चक्रा वहां पे रेडिएट करने लगे एक साथ, और इतनी पावरफुल एनर्जी वो रेडिएट हुई कि नहीं मेरी लाइफ मैं खुद ही बनाती हूँ, ये बिलीफ मेरे अंदर बहुत गहन में बहुत डूबी हुई स्ट्रांग है, है, यस, बहुत वेरी, स्ट्रांग है वो। बहुत अच्छी बात है। और ये बिलीफ जो है वो बहुत ही बड़ी बिलीफ है, तो इसके आप वो दर्जे पे आ जाते हो। देखिए, हर एक में कुछ आर्किटाइप्स होते हैं, इसको हम आर्किटेक्चुअल आर्किटाइप बोलते हैं। इसका मतलब कि ये आपकी बिलीफ है कि आप आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, ओके, है ना। तो आप उस जगह पे हो जहां पे क्रिएटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान भी तो चाहता है कि हम भी अपने जीवन की बागडोर संभालें। हम ये ना बोलेंगे भगवान ये सब आपका है, आप संभालो, जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, दोषी उनको ठहराए। कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मनुष्य कहीं तो अपनी बागडोर को संभाल के बोले कि हाँ जीवन मेरा है, मुझे जीना है, मैं उसको अपने हिसाब से ढाल सकूंगा, अपने हिसाब से चला पाऊंगा। ये नहीं कि हमेशा भगवान को पकड़ के बैठा रहे और उसको खींचता रहे, है ना। हाँ, अगर अगर कर्मा कर्मा करने की फ्रीडम अगर उसने हमें दी है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे, तो वो अवेयरनेस तो हमें ही क्रिएट करनी पड़ेगी कि हर वक्त मैं कौन सा कर्म करूं। तो वो हाँ, इसीलिए मुझे तो लगता है कि ईश्वर यहाँ पे बीच में कहीं आता ही नहीं, हम ही खुद हमें हमारे भाग्य के विधाता है, हम ही हमारे हमारे कर्मों के जरिए हमारे नसीब को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। हाँ, चाहे देखिए, अगर आप क्रिएटर को अपना सहभागी, मतलब आप उनके साथ मिले हुए हैं, आप उनके साथ कार्य कर रहे हैं, हाँ वह आपको डायरेक्शन देते हैं, वह आपको दिखाते हैं, वो बिल्कुल आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता हमारा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, चाहे माता पिता हमको सब कुछ देना चाहें, लेकिन फाइनली हर बच्चे का नसीब अपना होता है। माँ पिता तो सब बच्चों को एक बराबर देते हैं, या हो सकता है एक बराबर ना भी दें, तो भी कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, राइट। सो उसी प्रकार से ईश्वर भी सबको ही हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर इंसान उसमें कहीं चूक जाए या नहीं पा पाए तो उसे भगवान को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, यस
और वो जब सपोर्ट मांगते हैं ना, तो उनके ब्लेसिंग्स हम लिटरली एनर्जी वो फील भी कर सकते हैं कि यस बैठे हैं, उनकी डिवाइन हीलिंग एनर्जी जो है वो हमारे ऊपर आ रही है और वो सारी चीजें हमारी हील कर रहे हैं, वो उस चीज को हम बहुत ही गहराई से फील भी कर सकते हैं। तो या सपोर्ट तो करेक्ट, है, वो हमेशा खड़ा ही है हमारे साथ। हाँ करेक्ट, उनका हम अपने आप पे, हम करें अपने आप पे विश्वास कि वो बोलते हैं ना कि भगवान भी आपसे पूछे कि आपकी मर्जी क्या है क्या है? यस यस ना। करेक्ट राइट ओके। हाँ हाँ जी बोलिए विठल जी। मैम, ये अर्थ एलिमेंट सेंस ऑफ स्मेल से कैसे रिलेटेड रिलेटेड है? कौन सा किस अर्थ चीज? हाँ एलिमेंट जो है, तत्व जो है अर्थ का, वो सेंस ऑफ स्मेल से कैसे रिलेटेड है? पर हमने यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की तो बात की नहीं। तो तत्व है तो है ना, वो इस रिलेटेड हाँ टू दिस। हाँ 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 करेक्ट राइट। वो इंद्रियों की बात होती है वहां पे, जो आपके 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को आप एलिमेंट से जब कनेक्ट करते हो तो उस हिसाब से वो बोला जाता है। ओके, लेकिन वो कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो कोर्स में है क्या वो? नहीं, इन द सेंस कि हम वो, मैंने बोला ना आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं जाएंगे कि हमारी इंद्रियां जननेंद्रियां या ये, हम बेसिकली एलिमेंट को लेंगे और उस एलिमेंट के अंदर हमको किस प्रकार से उसको अपनी बॉडी में देखना है, कहाँ पर है, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, किस प्रकार से उसको सही किया जा सकता है और किस प्रकार से उसको उसमें अलग अलग तौर तरीके या उसके अलग अलग चीजों से कनेक्शंस हैं, उस चीजों को देखें। ओके और ये जो फ्रीक्वेंटली बहुत थक जाते हैं, फेटिग रहता है, क्रॉनिक फेटिग, उनको कौन सा एलिमेंट का इश्यू है? मतलब आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आप ये बोलना चाहते हैं? लेजीनेस है, लिथार्जी है, क्या है? देखो थक लेथार्जी, जाना फेटिग, मतलब फेटिग, कि एक टायर्डनेस। होता है कि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, आप चीजों पे कार्य नहीं करना चाहते, आप आलसी बन जाते हैं, राइट? सो वो आपका एयर एलिमेंट भी अगर डिसबैलेंस होगा तब आप हो सकते हो, जहां पे आप चीजों पे जो बहुत ज्यादा सोचता है वो ओवर बैलेंस हो जाता है, और अंडर जब वो कम हो जाता है तब आपके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह से रहता है कि आपको कुछ करना नहीं जीवन में, आपको पड़े रहना है ना। सो अगर आप लेथार्जी की बात उस तरह से बोल रहे हो कि जीवन आपका मतलब शरीर ठंडा, आप क्या बोलना चाह रहे हो? शरीर में ताकत नहीं है, ताकत शरीर नहीं, के अंदर? हाँ है, तो आप एनर्जी नहीं। अभी अगर आप कोई डेफिशिएंसी की बात कर रहे हो, इज इट फिजिकल डेफिशिएंसी, मतलब कि आप विटामिन्स डेफिशिएंसी है, कैल्शियम हाँ वैसा डेफिशिएंसी कुछ है, है और, ये हाँ तो अलग चीजें हो सकती हैं, राइट? ये तो मेडिकली आपकी कोई चीजें होती हैं, राइट? और अगर आप तत्व की बात कर रहे हो तो अगर आपके अंदर भारीपन महसूस हो रहा है, इसकी वजह से आप हिल नहीं पाते हो, तो आपका अर्थ एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो अलग अलग एलिमेंट्स का प्रपोर्शन, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, आपका वाटर एलिमेंट डाउन है, तो आपके अंदर अलग तरह का प्रतिक्रिया होगी। तो एक जो पर्टिकुलर चीज होती है, जैसे कि अभी पस भी है या इन्फ्लेमेशन भी है, वो अलग अलग तरह से होता है ना? किसी इन्फ्लेमेशन मतलब, इन्फ्लेमेशन मतलब कि चीज का लाल होना, कोई चीज जो होती है जैसे ड्राइनेस भी है, वो होती है कि अलग, एक खुरदने वाली ड्राइनेस, एक ड्राइनेस जिसके अंदर आपकी स्किन गिरती है ना? तो इस प्रकार से जो लेजीनेस या लेथार्जी या फिजिकल डेफिशिएंसी की भी जब आप बात कर रहे हो, तो वो अलग अलग तरह की है। आपका ऐसा है कि मानसिक संतुलन ऐसा है कि आपका मन नहीं करता कुछ करने का, तो वो एक आपका माइंड का काम है ना, जहां पे एयर का एलिमेंट। अगर आपके शरीर के अंदर मोटापा है इसलिए कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वो उथल पुथल सा पड़ा रहता है स्थिर ऐसे ही, तो वो अर्थ एलिमेंट। सो इस हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स का जब आप अच्छी तरह से उसको देखोगे उस चीज को, तो समझ पाओगे। ओके मैम, ओके, थैंक्स थैंक्स। आई होप आपको मैं जो जो आप पूछ रहे थे वो उसका मैं जवाब आपको दे पाई हूँ। हाँ कुछ डेफिशिएंसी टाइप ही है, लेकिन वो कौन सा है समझ में आ रहा। ओके नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, क्या आपको मेडिकली कोई इश्यू है, ये पूछ रही हूँ आपसे। हाँ।
हाँ, तो फिर मेडिकली इशू है तो उसमें आपको किसी प्रकार के जो जैसे कैल्शियम है या मिनरल्स है या विटामिन्स है या किस प्रकार की डिफिशियंसी, देखिए वो एक चीज हो गया जो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से हो गया है ना। हाँ हाँ रजनी जी बोलिए। मैम, मैं थोड़ा बाहर हूँ। मुझे एक सवाल था आपसे। तो ये हाँ बेसिकली जो कोर्स हाँ है, मैं ये इधर ही खड़ा सेवन हुआ, आओ आपके इधर ही आओ। खुद के सेवन चक्रास के ऊपर है, वर्क करने के ऊपर है ये जो कोर्स है? नहीं, ये सिर्फ चक्रास के ऊपर वर्क करने के लिए नहीं है। चक्रास ओके तो ओके आएंगे, ओके, ओके वो तो एक उसका कंपोनेंट है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ओके लाइक मतलब एक दो इन एग्जांपल द थोड़ा सेंस, बता जैसे दो। कि मैंने बताया, ऑफ कोर्स अभी कोर्स शेयर किया जाएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। मेरा देखिए, कहना मतलब बेसिकली क्या है इसमें, मतलब चक्रा तो मुझे समझ आया, पांच तत्व मतलब चलो ठीक है, वो अपने जो है प्लस सेवन चक्रा भी मुझे समझ में आया। मतलब इस कोर्स में बेसिकली और क्या है, मतलब और क्या हमको सीखने को हाँ, मैं मिलेगा? वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ अच्छा आपको कि जब आप चक्रास की बात करते हो, तो चक्रा तो हो गया कि हर एलिमेंट से एसोसिएटेड एक चक्रा है, राइट? उसके अलावा अगर ऑफकोर्स आप चक्रा की बात करते हो, तो उसका कलर भी हो जाता है, राइट? फिर उसके अलावा हर एक एलिमेंट का एक डायरेक्शन भी होता है, हर एक एलिमेंट का एक आर्कएंजल भी होता है, हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड क्रिस्टल्स भी होते हैं, हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड कुछ इश्यूज भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ के, जैसे कि अगर मून का रिलेशन भी होता है, अलग अलग मून मेडिटेशंस हैं, अलग अलग अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट की कुछ सेरेमनीज हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जब एयर एलिमेंट पे आप काम करते हो, तो आप बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी काम करते हो, जब आप वाटर एलिमेंट से काम करते हो, तो आप वाटर चार्जिंग है, कलर थेरेपी है, वो भी करते हो, तो ऐसे बहुत सारी और चीजें हर एक तत्व की, जो उसकी आपके जीवन में कहाँ पर है, किस प्रकार से है, किस तरह से उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई, वो चीजें उससे कैसे कनेक्टेड, और फिर उनके साथ उस पर कार्य किया जाए। ओके ठीक थैंक यू। है, हाँ, और किसको पूछना था? श्री विठल, हाँ जी हाँ मैम, ये बोलिए। हवन का जो महत्व क्या है, जो हवन करते हैं? वो देखिए, वो हवन फायर सेरेमनी मतलब कि आप वो अग्नि देवता को, उसको आहुति प्रदान कर रहे हैं, अग्नि देवता देवता को शांत कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, और जहां जहां उनकी जरूरत है, जहां जहां वो जिस जिस जगह पर उनकी कमी के कारण आपको जो महसूस हो रहा है या जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए आप वहां हवन कर रहे हैं, राइट? अगर ये फायर सेरेमनी के हिसाब से बात की जाए, राइट? हवन तो वैसे भी बहुत सी शुद्धियों के लिए, बहुत सी चीजों के लिए किया जाता है, और हवन के पीछे अलग अलग इंटेंशंस भी होती हैं। उसमें ऑफ कोर्स आप सारे देव देवी देवताओं को भी का भी आवाहन करते हैं, हर एक तत्व का भी आवाहन करते हैं, उसको उसकी स्थान देते हैं, उनको ऑनर करते हैं। तो फायर सेरेमनी से आपकी शुद्धि होती है, फायर देवी जगह की देवताओं से शुद्धि कैसे होती है। कनेक्टेड है? ये हाँ हाँ फायर जी, जो एलिमेंट है, देवी देवताओं से कैसे कनेक्टेड है? फायर एलिमेंट से कैसे कनेक्ट करें, वो तो आपको पहले नहीं, अपने, फायर एलिमेंट देवी देवताओं से कैसे कनेक्टेड है? नहीं हाउ फायर इज अग्नि देवता तो अपने आप में ही एक देवता है ना। ओके, लेकिन ठीक है, अग्नि जो है, अग्नि तो देवता ही है ना, देव स्वरूप है ना, हम अग्नि की तो पूजा करते हैं ना, उपासना करते हैं, राइट? अग्नि का लाइट, जैसे कि सूर्य पूजा जो है, वो कहीं ना कहीं अग्नि को ही रिप्रेजेंट करता है ना, सूर्य। सो आप सूर्य मंत्र करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, ज्योति की पूजा करते हैं, दीपक ज्योति की पूजा करते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, राइट?
आप क्या वो पूछने कहते हैं की कि कोशिश कर जो रहे हैं? हवन में जो आहुति डालते हैं वो देवता के पास जाता है, वो कैसे जाता है, वो क्या है, वो कुछ समझ में आता? मैम, मैं एक बोलूं इनको हाँ कि बोलो। देवताओं में अग्निदेव को पोस्ट में इनका रोल दिया गया है, उसी से लेकर जाके उनके लोक पे पहुंचाना, पर्टेनिंग टू गॉड। तो वो पोस्टमैन हाँ का काम करते, यहाँ से लेते और जिसका जिस गॉड का आहुति होता है उसको जाके पहुंचाते एज पर अपना ओके फीडबैक्स। हाँ, पर वो जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम हवन में कर रहे हैं तो वो वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं, ईश्वर तक कैसे पहुंच रहे हैं। सो आपकी वह थॉट प्रोसेस है, अग्नि जब आप कोई भी हवन कुंड में चीज को डालते हो, उपासना उसकी आहुति देते हो, जो धुआं उससे क्रिएट होता है वो जाके ऊपर हवा से मिलता है और हवा के द्वारा वह ईश्वर तक पहुंचता है। अब ये क्वेश्चन है कि आप ईश्वर में बिलीव करते हैं कि नहीं बिलीव, आप बिलीव करते हैं कि संसार एक है, संसार में सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर एक की वाइब्रेशन थॉट प्रोसेस एक दूसरे तक पहुंचती है। अगर ऐसा आप बिलीव करते हैं तो फिर जो भी आप कर रहे हैं वह सब तक पहुंच रहा है ना? पर अगर आप इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं कंसेप्ट में कि कोई भी जना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम सब एक सूत्र में उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप जो भी कुछ कर लीजिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके विश्वास, ये आपके थॉट, ये आपके बिलीफ पेपर है हाँ ना? करेक्ट। आपके हाँ शरीर में अग्नि है इसका आपको अंदाजा है, आपका आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, राइट? तो जब आप खाना कैसे पचता है, अगर आपको खाने को कुक करना होता है तो आप उसको तवे पर चढ़ाते हो, अग्नि को जलाते हो, तभी वो खाना पकता है ना, और फिर वह हजम होता है, खत्म होता है, उसका एक रूप आकार बदलता है। आपको मालूम है आपके शरीर में जो भी खाना खाया उसी आकार में तो बाहर नहीं आता है, राइट? उसमें से कुछ आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कुछ चीज बाहर जाती है। तो ये तो एक साइंटिफिक चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कोई अलग से उसका वो किया है। ओके मैम, थैंक्स। ओके और भविष्य आपको कुछ और बोलना है? इसका टाइमिंग्स क्या है, कौन सा डे पे है, टाइमिंग्स क्या है? एक मिनट, कोई भी है क्या? प्रमिला ने आई यस थिंक मैम, ट्यूसडे और थर्सडे को है। प्रमिला जरा देखो वो है क्या, कोई नेहा या कोई भी एकेडमी से, कैन दे शेयर दैट फाइल जहां हाँ पर, मैं बोलती हूँ। एक मिनट वो शेयर करते हैं। आई थिंक ट्यूसडे और थर्सडे को रखा है जहां तक मुझे मालूम है, 4 बजे। मैम आप अभी वाटर मेडिटेशन भी कराएंगे? हाँ कर ले सब एक्चुअली रेडी। हाँ थर्सडे बिल्कुल रेकी बिल्कुल। का क्लास है, मानी रेकी का क्लास है थर्सडे 4 बजे। थर्सडे क्या कर रहे हो आप? 4 से? हाँ 4 बजे मानी रेकी का क्लास है। थर्सडे को बनी, तो फिर फ्राइडे को होगा, सॉरी मंडे एंड फ्राइडे। मंडे ठीक है नहीं मैम, नहीं मंडे वो मीनिंग का एक्चुअली होता है नहीं ना, नहीं 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 1 मिनट, मंडे तो मेरा ही क्लास चल रहा है, सॉरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूजडे मैम, या एक मिनट ट्यूजडे। इनको शेयर कर लेने दीजिए जहां तक, एक मिनट आई विल जस्ट चेक ऑल्सो, क्योंकि आप शामन का कोर्स भी पढ़ा रहे ना? हाँ एक्चुअली आई वांटेड टू डू दैट मैम फ्राइडे ऑल्सो रेकी का कोर्स है 4 बजे। ट्यूजडे फ्राइडे को। तो एक होगा प्रमिला मैम, देखो, नेहा ट्यूजडे। को कौन से दिन, नहीं ट्यूसडे तो है, दूसरा दिन कौन सा है? फिर सैटरडे ही बच गया है अभी। सैटरडे मनी रे के रे मनी रेकी सैटरडे का भी सैटरडे मनी कोर्स, देखी है 4 बजे। तो फिर थर्सडे। हाँ एक मिनट उनको बताने दो, वो बताती हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे, शामनिज्म का कोर्स का क्या हुआ? आप शामनिज्म का कोर्स पढ़ा रहे ना? हाँ इसलिए आई वांटेड टू डू दैट, बट लेकिन क्लैश हो गया तो इसलिए मैं कर नहीं सका। अच्छा, अभी उसका हम लोग दूसरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं संडे को।
और फिर से बेसिक कोर्स रिपीट और आ गया। नहीं बेसिक नहीं होगा, अभी अपर वर्ल्ड का होगा, सेलेस्टियल लेकिन जर्नी। लॉन्ग टर्म में फिर से बेसिक से शुरू होगा ना। देखिए ओके उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ओके ओके मैम दोनों भी नंबर पे फोन नहीं उठा रहे, स्टिल आई एम ट्राइंग। हाँ ओके। हाँ भविष्या कुछ कह रहे थे आप। हाँ मैम, वो जीनेटिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसको प्रिवेंट करने वाला वो जो कोर्स आप बोल रहे थे, वो आप कब ला रहे हो? अच्छा मतलब हेरिडिटरी इनहेरिटेड हाँ, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। यस। जो डिसऑर्डर्स, वो तो वोम हीलिंग का है ना, वो जब ये वोम हीलिंग का कोर्स खत्म होएगा उसके बाद ओके वो उसमें एक वोम रिग्रेशन थेरेपी में हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल ऑर्डर्स वो सब भी कर सकते हैं, और उसके अलावा डिसीज एंड डिसऑर्डर्स जो आप इनहेरिट करते हो अपने एंसेस्टर्स, तो फिर वो उसका होम हीलिंग रीजनिंग में करूंगी अभी मैं इंक्लूडेड कोर्स। है या फिर उसका एडवांस वर्जन आप लाने वाली हैं? नहीं ये वाले वोम हीलिंग में नहीं है अभी, यहाँ पे तो प्री टर्म, यहाँ पे तो सब मेडिकल चीजें जो मतलब एसोसिएटेड विद द डिलीवरी सिस्टम एंड ऑल है ना, तो वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो अलग तरह का कोर्स है। वो आप कब ला रही हैं ये पूछ रही हूं मैं। नहीं अभी तो ये दूसरे कोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोर्स आएगा देखते हैं, दिन भी तो होने चाहिए ना लोगों को, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं तो वो बोलेंगे कि हमको ये कोर्स है वो कोर्स है ये टाइम। ठीक है, चलो मैं आपको पर्सनली फिर कनेक्ट कर लूंगी। हाँ कर कर चलिए ओके। सो हम एक एक और मेडिटेशन करने वाले थे ना, सो लेट अस डू दैट, इट्स अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके आप लोग शांति से बैठ जाइए, फिर उसके बाद हम तब तक नेहा को बाद में कनेक्ट करके उससे कौन सा दिन है वो बता दें। ओके सो अभी जो है आप लोगों को, जैसे जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आंखें बंद करके आपको बैठना है, और अपने अंदर अपनी पूरी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने थॉट्स, सब कुछ अपने अंदर केंद्रित कर लीजिए। अपने शरीर को एकदम शांत कर लीजिए, मन एकदम शांत, किसी प्रकार का भी अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे थोड़ी देर को अपने से अलग रखिए, उस विचार पर आप ध्यान करेंगे लेकिन इस मेडिटेशन के बाद। अभी आपको विजुलाइज करना है कि आप जहां बैठे हैं आपके सामने आप समुद्र देख सकते हैं, एक गहरा बड़ा समुद्र है जिसकी एक बीच है, जिसका जो के जहां पर वेव्स उसकी आ रही हैं और जा रही हैं, तो लहरें जो हैं उसकी वो तट तक आ रही हैं और तट से वह वापस जा रही है। सो जस्ट थोड़ी देर तक आप उस लहरों पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान है, आप ऐसा विजुलाइज करिए जहां आप कमरे में बैठे हैं आपकी खिड़की से बाहर आपको वह विशाल समुद्र दिखाई दे रहा है, और यह समुद्र का तट है जहां पर आपका घर है, और आप अपनी खिड़की से जस्ट उस विशाल समुद्र की तरफ जब देख रहे हैं, तो जब उसके पानी को देख रहे हैं आप उसकी लहरों को देख सकते हैं जो लहरें तट तक आ रही हैं और फिर वापस जा रही। जस्ट कॉन्सेंट्रेट कैसे लहर बाहर आती है, कितने उछाल के साथ, उमंगों के साथ, और फिर धीरे 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 जो भी कुछ होता है वहां पर वह अपने साथ अंदर ले जाती है, उसके साथ, उसके प्रभाव के साथ, उसके भाव के साथ, उसकी लहर के साथ, जो भी तट पर गिरा पड़ा है वह सब अंदर पानी के साथ चला जाता, फिर वापस से आता है, फिर वापस से जाता है, और यही क्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे पानी का पड़ाव बढ़ जाता है, कभी कभी उसकी लहरें और दूर तक आ जाती हैं, और जब पानी पीछे की तरफ जाता है तो लहरें अंदर को और चली जाती हैं, और फिर आपको खाली मिट्टी, खाली रेत दिखाई देती है, पर
फिर थोड़े टाइम बाद फिर से पानी का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे पानी बहुत दूर तक आ जाता है और फिर जितनी भी रेत है उसके ऊपर बहुत पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी की यह प्रतिक्रिया चलती रहती, आना जाना उसका लगा रहता है, छोर तक पहुंचना, आना और फिर वापस जाना। कितनी चीजें अपने साथ वो लेके आता है, कितनी चीजें अपने साथ वह लेके चला जाता है। उसी प्रकार से आपका जीवन है, जीवन में परिवर्तन होता है, चीजें आती हैं, बदलती हैं, कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ पुरानी यादें रह जाती हैं, पर आप समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अब जब हम इस पानी की स्थिति से पूरी तरह से परिचित हैं और पानी की इस क्रिया से भी, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में, अपने शरीर के अंदर भी देखें, कहाँ पर आपने किन चीजों को संजो कर रखा है? कुछ ऐसे पुराने दर्द, कुछ ऐसे पुराने विषय, कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज, थॉट्स जो आपके अंदर है, भले ही समय बदल चुका है, आप आगे आ गए, पर कहीं ना कहीं वह आज भी आपके जीवन में, आपके शरीर में है। सो जस्ट फील, जब आप कोई भी पुरानी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई भी पुराने ख्याल के बारे में विचार करते हैं, आपको शरीर के अंदर कहाँ पर दर्द महसूस होता है? एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल पेन एसोसिएटेड विद एनी ओल्ड मेमोरी विच इज देयर इन योर बॉडी, आप आज भी उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह चीज आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है, भले ही बहुत साल बीत गए, बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन फिर भी वह याद आज ऐसी तरोताजा है जैसे कि अभी हुई। जस्ट रिमेंबर दैट दैट इंसिडेंट, दैट थॉट, वो मेमोरी जिसकी आपको आज भी आपके अंदर जीवित है। और जब आप उस मेमोरी के बारे में सोचते हैं, जब आप उसके बारे में विचार करते हैं, तो वह आपके अंदर किस प्रकार का पेन, किस प्रकार की उथल-पुथल आप महसूस करते हैं, आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में सोच के, उसके बारे में विचार करके। और जब आपने अंदर अपने आप को फोकस कर लिया है अपने उस विचार पर, अब आप फिर अपना ध्यान उसी रेत, उसी पानी के प्रभाव, उसी वेव पर लेकर आए, उसी लहर पर लेकर आए। वो लहर दूर से आपकी तरफ चली आ रही, और जैसे जैसे वह आपके पास आ रही, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब आपके शरीर को उस लहर ने छू दिया, और जहां पर भी आपके वो पेन था, जहां पर भी आपने उस चीज को बचाकर संभाल कर रखा था, पर वह आपके लिए नासूर बन गई थी आज, अब वह लहर अपने साथ उसको लेकर चली गई। सो जस्ट फील दैट स्प्लैश ऑफ वाटर, वो लहर जोर से आई आप तक उमंगों के साथ, आपके शरीर को उसने छुआ, आपके उस हिस्से को उसने छुआ, उस चीज को उसने छुआ, उस जगह को उसने छुआ जहां पर आपने उस पेन, उस मेमोरी, उस थॉट को अभी तक बचाकर छुपाकर रखा था। और जैसे ही वह वहां तक पहुंची, जोर से उसने अपने साथ उस चीज को खींचा और वह लहर अपने साथ उस थॉट, उस प्रोसेस, उस विचार, उस अनसुने चीज को ले गई दूर, बहाकर अपने अंदर कहीं दूर।
यह प्रोसेस आप आते जाते देखिए कई बार, हो सकता है आपने मन में, आपने शरीर में जो भी वह विचार है वो इतना कड़क हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि वह लहर से हिल नहीं पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वह लहर उसको भिगो देगी, उसको डुबो देगी और उसको अपने साथ ले जाए। जस्ट फील कि वो हवा, वह जोर से जो उस वेव का जो आपकी तरफ आ रही है, और कैसे वो पानी का प्रभाव अपने साथ उस चीजों को अपने शरीर से दूर करते हुए ले जा रहा है, आपके शरीर से अपने अंदर, डीप अंदर, और वहां वो कहीं गुम गया, कहीं खो गया और नजर तक नहीं आ। की तो ये चीज को आप कई बार, जितनी बार आपको खाना महसूस है? वह पेन, आप इसको देखें, महसूस करें, उसको होते हुए देखिए बोतला और धीरे मंगवाया पीला धीरे जैसे जैसे आप मैंने उस चीज से पूरी तरह से अलग हो गए हैं, पूरी तरह से उस चीज से है। कोई बहुत ज्यादा फूल आप बहुत ज्यादा छुटकारा पा और चुके भी हैं, तो बोतला है ना, तो लावा तो आप अब तेरी पूरी एनर्जी तरह ड्रिंक से है पी। फ्री है। एंड स्लोली स्लोली रोज जाके पूछेगा आके उन्हों की जवाब देगा बेचारा, स्लोली जी जी तेरा डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। धीरे 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 पैसे धीरे आपकी सारी जीवन में जो ऐसे लेके विचार, देना फ्रीज ना दे। ऐसे मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे आपसे अलग होती जा रही, दूर फ्रीज होती देने जा तो उन्हों रही, थल्ले बेचारे उन्हों ही दे और दे, वही पी लेगा। आपके शरीर को स्वच्छ क्लिंस तो पुट्टी पाट के ऐसा करती जा क्या रही। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट ऐसा फील ऐसा वो नहीं है, गरीबे एवरीथिंग जरा रहे हैं। गोइंग अवे फ्रॉम यू, जो भी आपको नहीं पैसे चाहिए आपके जीवन में, जिसकी आपके जीवन में जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से फिर भी वह आपके जीवन में रह गया है, आपके शरीर में रह गया है, अब यह वेव जो है पानी की, वह अपने साथ उन सब चीजों को लेकर हीला जा ला रही और अपने अंदर जाके समाती जा रही। धीरे धीरे आपका जो भी पेन है, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपका थॉट है, उसको आप डिसअपियर होते हुए देखिए। इस प्रकार से यह पानी ने आपको हील किया है, आपके गया। उस कष्ट, आपके उस दुख, उस भार को दूर किया है। सो थैंक दिस वाटर वे फॉर क्लियरिंग अरे एवरीथिंग, फॉर क्लिंसिंग एवरीथिंग, फॉर टेकिंग अवे एवरीथिंग जो आपको जीवन में जिसकी जरूरत नहीं। और धीरे धीरे आप अब ऐसे स्थान पर, ऐसे चीज पे अब वापस आ गए हैं जहां पर आप पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रहे हैं, अपने अंदर हैप्पी फील कर रहे हैं, गर्मी हो गई है। जॉयस फील कर रहे हैं। सो आप अब धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों द्वारा स्पर्श करिए और अपने शोल्डर्स को रोल करिए और गया ना ऑयल, कम बैक टू योर फिजिकल सेंस। मैम सर ने कहा, राजीव सर ने, कि आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें डाला है, वहां से शेयर कर ले। ओके, 1 मिनट। हाँ एक्चुअली ये 1 मिनट नहीं, ये डाला तो है लेकिन मेरे को ना इधर ट्रांसफर करने के लिए। ऑफिस के सारे स्टाफ जा चुके हैं, कहा उन्होंने। ओके ठीक है। सो यहाँ पे जो कोर्स में लिखा हुआ है, इट इज स्टार्टिंग ऑन 26 मार्च, ट्यूसडे एंड थर्सडे 4 PM।
वही मैं बोल रही थी ना, तो कोई बोल रहा था कि कोई और क्लासेस हैं उस टाइम पे। हाँ ठीक है मैम, मैं भी मान ही रही कि 26 मार्च तक खत्म हो जाएगा, इट शुड सपोज टू बी फिनिश, बट पता नहीं, वो देखेंगे बाद में। हाँ तो इसीलिए वो जो दिन है जो मैं आपको बता रही थी वो यही होंगे। तो मैं आपको 1 मिनट, ये एक्चुअली मेरे को, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या करेंगे। सॉरी आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफर दिस मेरे इसमें, मुझे लगा था कि वहां से आ जाएगा। तो जैसे अर्थ एलिमेंट की हम बात करेंगे तो वहां पे हम अर्थ एलिमेंट में देखेंगे कि वह क्या है और हमारे शरीर में कहाँ पर है। ओके, और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं और किस प्रकार से वह हमको इफेक्ट करता है। ओके, फिर उसके बाद कौन सी डायरेक्शन उस एलिमेंट से, अर्थ एलिमेंट से एसोसिएटेड है, कौन सा कलर उससे रिलेटेड है, चक्रा सिस्टम और अर्थ एलिमेंट का क्या कनेक्शन है और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं, कौन सा आर्क एंजल हमारी मदद कर सकता है उसको हील करने में, उसके साथ हमारी मेडिटेशन होगी जो भी आर्क एंजल होंगे, फिर उसके बाद जो भी हैंड पोजिशन है या मुद्रास एसोसिएटेड है इस एलिमेंट के साथ, कैसे हम मुद्रा थेरेपी द्वारा उसको बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल मुद्रा थेरेपी होगी, इसमें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मुद्रा थेरेपी नहीं होगी। उसके बाद एंसेस्ट्रल वर्क किया जाएगा विच विल बी रिलेटेड टू दी अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं हमारे को हमारे रूट्स, हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट करता है। और मून मेडिटेशन होगी, तो मून मेडिटेशन जैसे अलग अलग, मैंने बोला फुल मून होता है, न्यू मून होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग फ्रेजेस ऑफ द मून से कनेक्शन है। तो उस हिसाब से हर चारों एलिमेंट्स में अलग तरह की मून मेडिटेशंस होंगी। ओके, ये हुआ अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड। फिर हमारे वाटर एलिमेंट का जब हम करेंगे, तो वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में कैसे है, कहाँ हमको इफेक्ट करता है, किस प्रकार से, किस डिसीज के फॉर्म में, किस डिसऑर्डर के फॉर्म में वह दिखाई देता है, कैसे वाटर को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वाटर के थ्रू हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो वाटर के थ्रू बहुत सी मैनिफेस्टेशंस की जाती हैं क्योंकि पानी के अंदर मेमोरी होती है, पानी के अंदर चार्जिंग किया जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद ऑफकोर्स चक्रा सिस्टम है, डायरेक्शन जो इफेक्ट होती है, आर्क एंजल जो रिलेटेड होता है वाटर एलिमेंट से, और वाटर कलर थेरेपी को कैसे हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगेन फिर मून मेडिटेशन होगा जो फ्रेज ऑफ मून इस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये हुआ वाटर एलिमेंट से। फिर एलिमेंट एयर, वहां पर हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एयर एलिमेंट जो है कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, जहां पर आप अपनी बात को बता पाते हो, समझा पाते हो, लोगों तक ला पाते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ वर्क का यहाँ पर थोड़ा कार्य होगा। ओके, अगेन फिर यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है, जो आर्क एंजल है, जो चक्रा सिस्टम है और जो फेज ऑफ द मून कनेक्टेड है विद द एयर एलिमेंट, उसका मेडिटेशंस होंगी और आपको कैसे इसको बैलेंस करने का, ये सब चीजें किसके लिए होंगी, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, राइट। फिर फायर एलिमेंट की बात हुई थी, फायर फायर एलिमेंट क्या क्या बैलेंसेस इम्बैलेंसेस का उसका क्या इफेक्ट होता है, फायर सेरेमनी होगी यहाँ पर, क्योंकि फायर सेरेमनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको वो कनेक्ट कराती है और हमारे जीवन में जो भी दोष है उनको दूर कराती है, तो यहाँ पर एक प्रकार की हम फायर सेरेमनी करेंगे। फिर आर्कएंजल जो भी इससे कनेक्टेड है फायर एलिमेंट से, उनका हम इसमें मेडिटेशन करेंगे, चक्रा सिस्टम जो कनेक्टेड है, फिर मून फ्रेज जो कनेक्टेड है, क्रिस्टल जो कनेक्टेड है, डायरेक्शन जो कनेक्टेड है, और अगेन हैंड पोजीशन जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कनेक्टेड है। उसके बाद स्पिरिट एलिमेंट जो है, उसमें हम स्पिरिट और सोल की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सारे चारों तत्व जब कनेक्ट हो जाते हैं, चारों तत्व जब बैलेंस हो जाते हैं, तब हम एयर एलिमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से, किस चक्रा सिस्टम से और कैसे हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक हीलिंग वहाँ कवर होगा। तो इस प्रकार से ये 5 एलिमेंट्स का 2 मंथ्स का कोर्स है और यह ट्यूसडे और थर्सडे 4 बजे होगा और 26 मार्च से शुरुआत है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूँ, सबको समझ में आ गया है।
कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कहना आप कह सकते मैम आप हैं। जो सोल एलिमेंट की बात कर रहे हो ईथर है क्या? हाँ ओके करेक्ट। ओके मैम ओके। कौन पूछ सो रहा है? लास्ट मिनट थिंग्स फ्रॉम एंजल्स टू कॉस्मिक्स टू चक्रास, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन दिस, हाँ इंक्लूडिंग द मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस। हाँ करेक्ट राइट। सो दिस इज फॉर हीलिंग आ पंच तत्व एंड कीपिंग इट इन बैलेंस। हाँ दिस कोर्स इज फॉर पर्पस ऑफ द कोर्स। यस करेक्ट करेक्ट। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू समराइज व्हाट इज द पर्पस मैम। नाउ आई गॉट इट। या नाइस। ठीक मैम हाँ जैसे ये पंच तत्व को बैलेंस करने से हमारी हीलिंग या दूसरी जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा बेटर और इजी वे में सॉल्व रिजॉल्व हो जाएगी। एम आई हाँ राइट? ऑफ कोर्स हो जाएगी। अगर आपके बॉडी में तत्व बैलेंस्ड होते हैं तो आप आपको कोई इश्यूज नहीं रहते। ओके इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि तत्व कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड होते हैं। ओके सृष्टि में भी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि तत्व इम्बैलेंस होते हैं राइट। तो उसी प्रकार से आपके अंदर जब चीज बैलेंस होगी, हम सबके अंदर बैलेंस होगी, तो बाहर भी वो बैलेंस होगी, और जब वो बाहर बैलेंस होगी तो हमारे अंदर भी बैलेंस होगी। तो ये दोनों प्रतिक्रिया एक साथ चलती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर, इट इज दैट वे। तो नॉर्मली इसीलिए या नॉर्मली सारे मॉडलिटी में 7 चक्रा पे कंसंट्रेट किया जाता है, उसी को हील किया जाता है। बट अभी आपका सेशन सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि 5 तत्व पे पहले काम करके फिर 7 चक्रा को हील किया तो वो हाँ, जल्दी हो क्योंकि जाए। देखो जब भी मैं स्पिरिट की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं यहां से ऊपर अपने आप जा रही हूँ ना, अंडरस्टूड? मैं थ्रोट से कवर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, जब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली ये ऊपर के चक्र को कवर कर रही हूँ राइट, है ना? यस तो जैसे जैसे आपके बॉडी का कंपोजिशन है, उसी प्रकार से आपके चक्रास, आपके उसकी डेंसिटी, उसके ऊपर उठना, उसके ऊपर तक पहुंचने के लिए हमें नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर हम ऊपर तक पहुंचेंगे और फिर हम वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे जब हम पूरी तरह से यहाँ पर, यहाँ तक बराबर हैं, स्थित हैं, सही हैं। या ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही हमको ये चीज बहुत सिंपल लगती है, और इसके ऊपर बहुत विचार, बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। पंच तत्व के ऊपर आप बहुत सारे यूट्यूब में देख लोगे, लेकिन वो उनका फोकस या उनका जो तौर तरीका होता है, या तो कुछ आयुर्वेदिक के हिसाब से होता है या TCM के हिसाब से होता है। यहाँ पर जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है वो एक हीलर के हिसाब से डिजाइन किया, तो मैंने वो फैक्टर्स जो हमको हीलिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम क्लाइंट के लिए भी करेंगे, तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। तो अगर आर्क एंजल, आप कभी भी उनका ऐसा कनेक्शन कोई कोर्स में ऐसा फाइंड नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन उनका भी एलिमेंट से कनेक्शन है। डायरेक्शन यूज होती है, ऑफकोर्स फेंगशुई में यूज होती है, हमारे वास्तु में यूज होती है, उसका कनेक्शन होता है एलिमेंट के साथ, पर फिर मैंने वो एलिमेंट यहाँ पे लाया, मतलब वो डायरेक्शन को लाया, पर वो डायरेक्शन उस हिसाब से नहीं कि मुझे घर का वास्तु एक ठीक करना, पर मेरे जीवन में वो डायरेक्शन का क्या महत्व है जब मेरा यह एलिमेंट बराबर नहीं होता। ओके तो मैंने उसको एक बॉडी के फोकस से हिसाब से कि मेरी बॉडी है, तो जब मैं बैलेंस नहीं हूं तो मेरे आसपास की सारी चीजों में कहाँ पर क्या क्या इम्बैलेंस है क्रिएट हो रहा है, और जब आसपास इम्बैलेंस है तो मेरे अंदर क्या इम्बैलेंस क्रिएट राइट। तो उस तरह से मैंने उसमें जो जो रेलेवेंट चीजें हैं वैसे सोच समझ के उसको ऐसे डिजाइन किया, जिससे कि आप उसको अपने लिए और दूसरों के लिए सही तरह से यूज कर सकें।
मैं मुझे लगता है वाइसा वर्षा भी हो सकता है कि हो सकता है हमारे यहाँ ऐसा वास्तु दोष हो जहाँ पे हम तोड़फोड़ करके उसे हम वो उसे नहीं कर सकते, ऐसी है। अपार्टमेंट में रहते हैं तो नहीं कर सकते उस तरीके से, लेकिन हाँ अगर हम हमारे उस तत्व को उस दिशा में जहाँ पे वास्तु दोष है उससे रिलेटेड हमारे तत्व को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो उस वास्तु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है शायद हम उसे घटा सकेंगे। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो आप कर सकते हो। अभी जैसे कि इवन एयर एलिमेंट में मैंने बिलीफ वर्क को लिया, लेकिन यूजुअली हम एयर एलिमेंट का ठीक है हम थॉट से सोचते हैं, लेकिन हम उसको सबकॉन्शियस माइंड क्या थॉट प्रोसेस है वो, एज अ हीलर मैंने सोचा कि कैसे उसको बिलीफ से, क्या हम बिलीफ्स की वजह से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में और जिसकी वजह से ये तत्व हमारा वो हो रहा है। तो एज अ हीलर क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ तो मैंने उसको उन हिसाब से क्या चीज किधर एप्लीकेबल है, जैसे कि वाटर है तो वाटर चार्जिंग है, तो वाटर चार्जिंग का अलग कोर्स होता है, वाटर मैनिफेस्टेशन का अलग कोर्स होता है, एक वाटर एलिमेंट का अलग होता है, लेकिन मैंने उनको इस तरह से कंबाइन किया कि उनको उनकी चीजें इसके अंदर लेके आई। राइट ठीक है। या मैम, इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना है मैम? देखो एक्चुअली जो नॉर्मल होता है 2 मंथ्स का कोर्स का, मुझे 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स 4214 जो लिखा जाता है, और आफ्टर डिस्काउंट 3158 होता है, और फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स 2685। यही तो आपका हमें नॉर्मल कोर्सेस में होता है 2 महीने का जो, राइट नंदिनी जी पे कितना करना है मैम? आप नए स्टूडेंट हैं? हाँ तो आप नए स्टूडेंट हैं तो फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली 4214 होता है, पर शायद आपको डिस्काउंट मिलता है तो कुछ 3158 2 महीने का। 3158। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है ओके ओके। मैम, थैंक यू तो थैंक सबके यू। नहीं क्वेश्चंस आंसर हो गए, किसी को और कुछ बाकी है पूछना? मैम, ओके हाँ मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे सेक्रल की प्रॉब्लम हो तो कौन सा तत्व खराब होता है, जैसे शुगर हो, उधर डायबिटीज देखो, होता है। नहीं देखो एक चीज है सेक्रल मतलब आप चक्रा के हिसाब से पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स आप वाटर एलिमेंट के ऊपर जाओगे, राइट। जी, अभी ऑर्गन्स के हिसाब से आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, अगर मैं आपको जैसे कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं वाटर एलिमेंट में क्या होगा, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर हो गए, राइट। तो ये अलग अलग चीजों के हिसाब से आपका देखा जाए, है ना। आप जो पूछ रहे हो वो वाटर ही सेक्रल होंगे चक्रा के हिसाब से पूछ रहे हो। जी। मतलब एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारा हाँ तत्व तो पानी का ही, मतलब एयर, नहीं वाटर नहीं एलिमेंट नहीं ही। नहीं 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 1 मिनट। डायबिटीज मतलब कि आपका जो इंसुलिन है, पेनक्रियास है, आपका जी डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, यस स्टमक, आप जो खा रहे हो उसको, वो उसको जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर वो, सो ये ऑर्गन अलग हो गया, इट इज नॉट सेक्रल चक्र। मैम, फिर वो कौन सा चक्र से रिलेटेड होगा? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप अगर आप ऐसा चक्रा से रिलेट करोगे तो उसका पोजीशन आ जाएगा सोलर प्लेक्सस के इधर, ओके मैम। राइट है ना। सो वो फिर तो फायर एलिमेंट हो गया, राइट। पर आप ऐसे चीजों को नहीं किया जाता है, कुछ ऑर्गन्स की कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्टमक एंड स्प्लीन आर अर्थ एलिमेंट, राइट, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी आर, तो ऐसे वो आप इस तरह से नहीं, जो आपका जवाब मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि इसका ये जो आप कनेक्शन कर रहे हो ना वो वैसा नहीं होता है। जब आप इसको कोर्स को पूरी तरह से आप जब जब आपको सिखाया जाएगा ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी, यस मैम, ठीक है। ओके मैम, मतलब थैंक यू। कि कलर, क्रिस्टल, एलिमेंट और बहुत सारी चीजें उनको एक प्रकार से समझना पड़ता, ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स एक तरह से आप ये जानते हो कि ये चक्रा का ये एलिमेंट,
वो तो फिक्स्ड है ना, लेकिन एक जगह पे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक ही ऑर्गन नहीं होते, राइट? यस तो मैम, अगर आप यस। सोलर प्लेक्सस में देखोगे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर भी है, पेंक्रियास भी है, डियोडन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है, स्प्लीन भी है, राइट? पर इन सब के एक ही तत्व नहीं होंगे, ठीक ओके मैम, थैंक यू। मैं है? ये कोर्स करूंगी मैम आपका। हाँ आप करिए, जरूर करिए, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि उसको ऐसा ब्लैंकली मत लीजिए कि ये चीज ये उधर गई तो ऐसा मैम ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ये नहीं, वो एक्चुअली मैम, उसमें। मैंने लामा फेरा भी सीखा हुआ है अंशु मैम से, अच्छा तो हाँ, बहुत उससे अच्छी मैं बात रिलेट है। कर रही हूँ कुछ। हाँ आपका नाम क्या है, मैं नाम नहीं देख समझ, भावना 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 जी, हाँ ओके, नहीं, मैंने आप और भी ज्वाइन बहुत सारे करिए, कोर्स। यस मैम। मैम ठीक, आपका डे भी बहुत अच्छा है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। अच्छा ओके, चलिए ओके अच्छी मैम, बात थैंक है, ओके यू ठीक मैम। है, तो वी ओके विल मैम, एंड द सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग, यू मैम, थैंक एंड यू। आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग सब आए, आप ज्वाइन करें या ना करें कोई बात नहीं, आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, कभी भी मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, राइट? थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो अच्छा, मच विद ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू।